गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वी अगेन वेलकम यू टू द वर्कशॉप, 10-day वर्कशॉप वेयर वी विल बी गाइडिंग यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स. मे इट बी APSC कम्बाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम और UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम. तो आज चौथा दिन है इस वर्कशॉप का और आज हम बात करेंगे एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर के बारे में. दैट इज पेपर 5. Of your syllabus, ethics and integrity. इस पेपर को कैसे प्रिपेयर करना है इसके बारे में आज हम देखेंगे. तो चलिए लेट स्टार्ट. उसके पहले एक बार आप मुझे बता दीजिए कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, पिक्चर साउंड सब ठीक है. इफ यस देन वी विल मूव फॉरवर्ड. गुड इवनिंग टू यू ऑल. ठीक है, तो देखिए ये जो एथिक्स पेपर है ना, ये काफी एनिग्मेटिक है. मतलब इसको कैसे प्रिपेयर करना है इसको बहुत ध्यान से समझना होगा. ये एक रूटीन सब्जेक्ट नहीं है कि बस एक सिलेबस है उसके लिए मटेरियल्स हैं उठा करके ले आए, अंडरलाइन करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया और सिलेबस तैयार हो गया. ऐसे नहीं होगा. ठीक है, सो इस सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें थोड़े रूट से देखने होंगे कि आखिर ये सब्जेक्ट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में 2013 में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया और अब APSC में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है. APSC में अभी तक इस पैटर्न पे इस पेपर का अभी तक एक भी एग्जाम हो, लेकिन हाँ नए सिलेबस के हिसाब से जिस तरह से यूपीएससी में एग्जाम होता है ऐसा उसी तरीके से APSC कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी पेपर में एथिक्स आएगा. तो अगर इस सब्जेक्ट को हमें समझना है कि इस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है तो पहले आपको समझना होगा कि यह सब्जेक्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया. व्हाई दिस सब्जेक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट गो इटसेल्फ. इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि ये सब्जेक्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया. उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको. देखिए जो 2012 दिसंबर में दिल्ली के अंदर निर्भया रेप केस हुआ था, इतना बारबरिक इंसिडेंट था उसके बारे में आप सब जानते ही होंगे. इट्स अ कंसाइंस ऑफ एंटायर नेशन फॉर वंस, राइट. उसमें का एक कन्विक्ट है ये इंसान, ठीक है. और इस एक डॉक्यूमेंट्री बनाया BBC ने, उस डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा इंडियाज डॉटर. उसमें वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इंडिया में इतने रेप्स क्यों होते हैं. तो उस चीज को जानने के लिए उन्होंने इसका भी इंटरव्यू लिया. इंटरव्यू में पूछा गया कि एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ गलती की है, क्या अब तुम्हें अफसोस है ऐसी हरकत का. तो उस पर इस इंसान का क्या जवाब होता है. सवाल क्या था, व्हाई डिड यू डू इट, आखिर तुमने क्यों किया ऐसा. और इसका जवाब सुनिए, कहता है कि द गर्ल निर्भया जिसके बारे में बात कर रहा है वॉज ऑफ लूज कैरेक्टर. कहता है कि उसका कैरेक्टर ही लूज था, सी डिजर्व्ड इट. और ये कैसे जज कर रहा है कि उस लड़की का कैरेक्टर खराब है. व्हाट इज हिज क्राइटेरिया टू जज. क्यों, तो सी वॉज रोमिंग एट नाइट, रात के 11 बजे एक लड़के के साथ घूम रही थी. तो अब जब उसका कैरेक्टर ही ठीक नहीं है तो फिर सी डिजर्व्स दिस, सी वॉज इनवाइटिंग दिस, दिस वॉज हिज आंसर. अब आप बताइए मुझे, यू पीपल विल आंसर, कि क्या ऐसे लोगों को आप क्राइम करने से रोक सकते हैं कानून बना करके, उसमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रख करके कि हम फांसी दे देंगे, क्या आप रोक सकते हैं. आपको क्या लगता है, कैन वी अवॉइड सच पीपल और सच केसेस जस्ट बाय मेकिंग स्ट्रिंजेंट लॉ. जैसे आपको पता होगा निर्भया केस के बाद
क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट लाया गया 2013 में, जिसमें रेप केसेस में मैक्सिमम सेंटेंस डेथ पेनल्टी भी है, मौत की सजा भी है। सवाल यह है कि क्या इससे ये केसेस रुक जाएंगे, कम होंगे? तो जवाब तो हमारे सामने ही है, एक इशू है 2012 का, लेकिन क्या उसके बाद इस तरह के केसेस नहीं हुए हैं? दिसंबर 2019 आपको याद होगा, बेंगलोर डॉक्टर का केस, इस तरह के कई सारे केसेस हैं जो हमारे मतलब हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि आर वी लाइक दिस और इज देयर एनी वे आउट, क्या कोई सोल्यूशन भी है? ऐसे ही चलता रहेगा, खाली हम बोलेंगे कानून बनाओ कानून बनाओ, कानून बनाने के बाद भी ये सब हो रहा है, रुक नहीं रहा है। क्या लगता है आपको कि स्ट्रिंजेंट लॉ बना करके ऐसे हीनियस क्राइम्स को, बारबेरिक एक्ट्स को आप रोक सकते हैं? तो देखिए, इस पे आप भी अपना ओपिनियन बताइए, क्योंकि जो एथिक्स पेपर है ये जब तक हम इंटरैक्ट नहीं करेंगे तब तक हम सीख नहीं पाएंगे, तो आप भी अपना ओपिनियन बताइए और मैं भी अपना ओपिनियन बताता हूं। वी कैन डिस्कस, वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, राइट? एथिक्स पेपर में कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ स्पेशल है आपको सिखाने को, एथिक्स पेपर इज ऑल अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो मुझे क्या लगता है, मैं बताता हूं कि इस तरह के स्ट्रिक्ट लॉ बना करके, स्ट्रिंजेंट लॉ बना करके आप कुछ हद तक डेटरेंस तो ला सकते हैं, रोक तो सकते हैं, मन में डर तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन आप इन सब एक्टिविटीज को पूरी तरह से अपने समाज से एलिमिनेट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एलिमिनेट, राइट? व्हाई? बिकॉज प्रॉब्लम इज हियर, प्रॉब्लम इज इन द माइंडसेट। इसको जब ऐसा लगेगा कि यहां मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, वो ऐसी हरकत करेगा। कानून का बस डर है, लेकिन वो डर जैसे ही खत्म होगा, या इसके अंदर का जो एनिमल इंस्टिंक्ट है वो जैसे ही डर से ज्यादा हो जाएगा, उसका कंपोनेंट या उसका वेटेज इसके अंदर के फियर फैक्टर से ज्यादा हो जाएगा, ही विल कमिट सच क्राइम। सो सॉल्यूशन जो है वो शॉर्ट टर्म नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हमने ले आए, लॉ बना दिया, वो तो लाना ही होगा, डिटरेंस तो रखना ही होगा, लेकिन हमें साथ ही साथ लॉन्ग टर्म थिंकिंग भी करनी होगी कि क्या ऐसे करने से बस इस तरह के इश्यूज हमारे समाज में रुक जाएंगे? बिकॉज द प्रॉब्लम इज विद द थॉट प्रोसेस, जिस तरह से ये इंसान सोचता है, और मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, बट ही रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप, इज नॉट अलोन, तभी तो ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं बार बार, राइट? थॉट प्रोसेस, द प्रॉब्लम इज विद एटीट्यूड। फियर ऑफ लॉ कैन सप्रेस but will not avoid such problems, and long run may we want this, we don't want just this. A strict law will suppress, so that is anyway needed short term approach, but this is not our final goal. Our goal is this, how to avoid such incidents. Aur uske liye hame thoda sochna hoga, samaj ko badalna hoga. Kaun badalega samaj ko? Kya log khud badal jayenge? ऑफ कोर्स अब कई सारे जवाब आ रहे हैं कि सर एजुकेशन देना होगा, बिल्कुल सही बात है, लोगों के वैल्यू को चेंज करना होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ओवरऑल जो सोसाइटी है उसमें जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका रोल क्या है? हम क्या समझ रहे हैं, भूलिए मत कि ये पेपर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया हमारे सिलेबस में। तो आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हैं, अगर एपीएससी क्लियर करते हैं तो अपने स्टेट का टॉप ब्यूरोक्रेट, यूपीएससी क्लियर करते हैं तो पूरे इंडिया लेवल का टॉप ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो। और सिविल सर्वेंट का काम क्या है? टू एक्ट एज एजेंट ऑफ चेंज। ये चेंज आप ही लाएंगे जब आप उस पोजिशन में होंगे। आपको एज ए सिविल सर्वेंट समझना होगा कि प्रॉब्लम ये इंसान नहीं है, प्रॉब्लम इसकी थॉट प्रोसेस है, और थॉट प्रोसेस को जब तक बदला ना जाए तब तक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं हो सकता, राइट? सो यू पीपल हैव टू बी दैट एजेंट ऑफ चेंज, एंड दैट इज व्हाई दिस पेपर वाज इंट्रोड्यूस्ड, कि आपके अंदर क्या खुद सोचने की काबिलियत है कि नहीं है, आप खुद किसी भी इंसिडेंट के पीछे के वैल्यूज,
सब्जेक्टिव कॉजेज समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। सो किरण बेदी जी ने भी कहा था एक बार, और उसी लाइन में फिर ये नया सिलेबस में एथिक्स एंड इंटीग्रिटी ऐड किया गया है कि इन मॉडर्न टाइम्स द सिविल सर्विसेज और सिविल सर्वेंट्स आर एक्सपेक्टेड नॉट जस्ट टू ब्रिंग क्रिमिनल्स टू द जस्टिस बट टू ब्रिंग चेंज इन द इल थॉट प्रोसेस। आपका एज ए सिविल सर्वेंट, एज एन APS, IPS, ACS, IAS, बस ये काम नहीं है कि क्रिमिनल को पकड़ा और पकड़ के जेल भेज दिया और फिर कोर्ट से सजा दिला दी उसको। आपका काम है समझना कि इन सारे इश्यूज के और इंसिडेंट्स के पीछे कारण क्या है और कैसे उसको दूर किया जा सकता है। और इस कारण से ये पेपर इंट्रोड्यूस किया गया। इस पेपर में देखा जाता है कि क्या आपके पास काबिलियत है सिविल सर्वेंट बनने की, क्या आपके पास काबिलियत है समाज के ऐसे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, आप अगर APS बन जाते हैं, आप अगर APS बन जाते हैं या IPS बन जाते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट में आप टॉप लेवल के, डिस्ट्रिक्ट में आप टॉप लेवल के पुलिस ऑफिसर होंगे, राइट? टॉप लेवल के पुलिस ऑफिसर होंगे। आपके नीचे बाकी सारे पुलिस ऑफिसर्स होंगे, पूरा का पूरा पुलिस कैडर होगा, होगा ना? और ये जो पूरा का पूरा पुलिस कैडर जो आपके नीचे है, इसका जब रिक्रूटमेंट किया जाता है तो इससे लॉन्ग जंप, हाई जंप, मतलब जो भी फिजिकल चीजें हैं वो सब कराई जाती हैं। दौड़ के दिखाओ, चेस्ट बताओ, हाइट कितनी है। आप इन सब के बॉस बनने वाले हैं तो आपको तो और ज्यादा होना चाहिए। अगर ये 100 मीटर दौड़ रहा है मान लीजिए 20 सेकंड में, तो आपको तो 15 सेकंड में दौड़ लेना चाहिए इस हिसाब से, तो अगर आप बॉस बनना है तो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका टेस्ट हो रहा है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का, आपके लिए फिजिकल क्राइटेरिया ना के बराबर है, बेसिक हाइट होनी चाहिए और कुछ नहीं अगर आप APS बन रहे। क्यों? क्योंकि आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप मेयर इंप्लीमेंटर नहीं है, कानून बना उसको इंप्लीमेंट नहीं करना है, चोर उचक्के को पीछे नहीं दौड़ना है, उनको पकड़ करके जेल में नहीं डालना है, कोर्ट नहीं ले जाना। आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप इन चोरियों के पीछे, इन रेप्स के पीछे, इन मर्डर के पीछे का कारण पता करें, पॉलिसी मेकिंग में सरकार की मदद करें कि सर देखो ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और ये कारण है कि आपसे फिजिकल वर्क की एक्सपेक्टेशन कम है, आपसे एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पूछा जा रहा है, आपसे दौड़ में नहीं कराया जा रहा है। ठीक है, सो आई थिंक मोटा मोटा आपको पता चल रहा होगा कि वाई दिस वॉज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अगर आप समझ रहे हैं कि एक सिविल सर्वेंट का काम क्या है, तो आप ये भी समझ रहे हैं कि सिविल सर्वेंट या सिविल सर्विसेज के एग्जाम में ये सिलेबस में क्यों ऐड किया गया, UPSC में और अब APSC में। क्यों? क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट बनेंगे तो यू आर अ पॉलिसी मेकर, यू नीड टू फाइंड रीजंस बिहाइंड सच प्रॉब्लम्स, यू नीड टू फाइंड द सॉल्यूशंस एज वेल। दैट मींस यू हैव टू बी एजेंट ऑफ चेंज, नॉट जस्ट मियर इंप्लीमेंटर। पकड़ा, जेल भेजा, वो आपका काम नहीं है। तो ये तो हो गई बात कि क्यों ये पेपर इंट्रोड्यूस किया गया था। So, कुछ बेसिक बातें बता देता हूं। ये पेपर जो है एक अप्लाइड सब्जेक्ट है, अब आपको पता चलेगा होगा, अप्लाइड मतलब इसमें सोचना पड़ेगा। ये पेपर ऐसा नहीं है कि पढ़ के आपको बता दिया गया कि देखो ऐसा हो तो ऐसा करना है, वैसा हो तो वैसा करना है, ऐसा नहीं होगा। यू नीड टू थिंक ऑन योर ओन, यू नीड टू एनालाइज द रीजंस एंड यू नीड टू गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर। बोल देना आसान है कि एजुकेशन सॉल्यूशन है, एजुकेशन कैसे लाया जा सकता है समाज में, किस तरह का एजुकेशन, क्या मैथ साइंस पढ़ाने से क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम हो जाएंगे, वो एजुकेशन किस तरीके से इंपार्ट किया जाए, वो सारी की सारी पॉलिसी। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉन एज अप्लाइड सब्जेक्ट। हियर यू हैव टू योरसेल्फ थिंक, यू हैव टू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग। जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे तब तक आप सॉल्यूशन नहीं पा पाएंगे। यू नीड टू हैव दैट थिंकिंग ब्रेन। और ये कोई एक बुक, सिर्फ एक बुक पढ़ के तो ये सब्जेक्ट नहीं हो रहा। जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल भी मैं आज कुछ कराऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ एक बुक पढ़ के तो ये सब्जेक्ट आपसे नहीं हो रहा। दिस इज एन अप्लाइड सब्जेक्ट, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम सिविल सर्वेंट्स। एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, अगर मान लीजिए कि क्राइम अगेंस्ट विमेन सवाल आता है
कि भाई समाज में विमेन के अगेंस्ट बहुत क्राइम हो रहा है, अलग अलग तरह के क्राइम हो रहे हैं, मोरल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस होते हैं। अब यही सवाल अगर जीएस पेपर टू में आ जाता है गवर्नेंस वाले में तो वहां पे जवाब, या फिर अगर एथिक्स पेपर में आ जाता है तो एथिक्स पेपर में जवाब, दोनों में सवाल सेम है, जवाब अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे वो आपसे थोड़ा सा लीगल फ्रेमवर्क में एक्सपेक्ट कर रहा है आंसर। क्राइम अगेंस्ट वुमेन क्यों बढ़ रहा है? तो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वीक है, कानून कमजोर है, इंप्लीमेंटेशन कमजोर है, एडजुडिकेटरी अथॉरिटीज में बैकलॉग ऑफ केसेस हैं, ये सब चीजें आपको यहां लिखनी होंगी। यानी कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, लीगल प्रोसीजर है, उसमें क्या क्या वीकनेसेस हैं वो आइडेंटिफाई करना होगा जीएस पेपर टू में। लेकिन अगर यही सवाल आ जाता है जीएस पेपर फाइव में एथिक्स इंटीग्रिटी में, तो फिर आपको इन सब इन क्राइम्स के पीछे के कारण सोचने होंगे कि आखिर एक इंसान विमेन पे अटैक करता क्यों है, वायलेंस करता क्यों है, क्या कारण है, सोचना होगा। बुक आपको लिख के नहीं दे सकती, बुक आपको थिंकिंग बींग नहीं बना सकती। जैसे आप भी बताइए, क्या लगता है आपको? कल भी मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में बता रहा था कि हमारे स्टेट के अंदर भी विमेन, अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 दैट हैज बीन रिसेंटली पब्लिश्ड, 32% विमेन हैव बीन सब्जेक्टेड टू स्पाउजल वायलेंस। व्हाट इज द रीजन? मुझे लगता है इकोनॉमिक डिपेंडेंस इज द मेन रीजन। अब ये मुझे लगता है इकोनॉमिक डिपेंडेंस, आपको कुछ और भी लग सकता है, उसके लिए जस्टिफिकेशन होगा। भाई विमेन घर पे रहती हैं इन जनरल, और मैन बाहर जाता है नौकरी करने इन जनरल, हमारी समाज में जिस तरह का हमारा सोशल पैटर्न है। अब इस इंसान को यह लगता है कि पूरे परिवार को यही चला रहा है, यह पैसा कमाता है, वाइफ तो घर पे आराम करती है। इसको ये नहीं समझ में आता कि अगर इसकी वाइफ घर पे रह के इसके बच्चों का ध्यान नहीं देती, इसके मां बाप का ध्यान नहीं देती, तो ये ऑफिस में काम कैसे करता। ही डज नॉट फील दैट, ही इज नॉट दैट थिंकिंग बीइंग, इसको इस बात का एहसास नहीं है। एंड दैट्स व्हाई द मोरल वर्थ ऑफ विमेन इज गॉन इसके नजरों में। इसको लगता है कि ये तो कुछ नहीं करती है। जब कुछ नहीं करते हो तो नेचुरली आपकी वर्थ नहीं है, वर्थ नहीं है तो आपके ओपिनियन का कोई रेस्पेक्ट नहीं है। और अगर आप अपने होने का एहसास दिलाएंगे कि देखो मेरा भी इंटरेस्ट है, मेरा भी ओपिनियन है, मेरा भी कुछ व्यू पॉइंट है, देन दैट विल बी सप्रेस्ड विथ वॉयलेंस। कि भाई तुम्हारी औकात क्या है? थिंकिंग में बता रहा हूं, जो लोग भी डोमेस्टिक वायलेंस में इंगेज होते हैं उनकी थिंकिंग में बता रहा हूं। हु आर यू टू टेल मी? आई एम द वन हु earns bread for this family. This is the thinking that leads to such violence, right? So economic dependence on male counterpart is the biggest reason, and that is why ab solution mein bhi aapko build karna hoga. That is why aaj ke time it's very important for women to grab, or it's very important for government to make such policies where women should grab economic opportunities. Ghar sambhalna theek hai, ghar sambhalne mein bhi dono husband wife ka barabar ka रोल होना चाहिए। क्या कारण है कि मैटरनिटी लीव दी जाती है? जब नया बेबी पैदा होता है तो विमेन को मैटरनिटी लीव दे दी जाती है 42 वीक्स की। मेल को अभी तक इस तरह का कोई पैटरनिटी लीव का कोई फॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं है, दिया जाता है लेकिन अभी तक कोई फॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं है। विराट कोहली ने हाल फिलहाल में पैटर्निटी लीव माना था। मतलब ये क्या बताता है कि हमारी समाज, हमारी सरकार भी यही उम्मीद करती है कि बस औरत का काम है बच्चे पालना। भाई जब सरकार की सोच ये है तो रिपरकशंस तो होंगे ही होंगे समाज में, कि सरकार ही बता रही है थ्रू दिस लॉ। एंड एज अ सिविल सर्वेंट यू हैव टू आइडेंटिफाई सच चैलेंजेज कि सर हमारे कानून में प्रॉब्लम है। अवर लॉ गिव्स अ मैसेज दैट इट इज वुमेन्स जॉब टू स्टे एट होम एंड टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड न्यूली बॉर्न बेबीज, इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैन। So you are inviting trouble by giving maternity leave but no paternity leave, right? तो इस तरीके से आपको सोचना होगा, अपने arguments build करने होंगे। और इसके लिए कैसा है ना कि exam में overnight नहीं होगा। इसके लिए आप जो भी current affairs पढ़ रहे हो तो हर एक issue को आपको ethical point of view से भी evaluate करना होगा कि क्या इस particular issue में ethical challenges क्या हैं। जैसे ये particular case है,
इसका मैंने गवर्नेंस में चैलेंजेस निकाला, इसका एथिकल चैलेंजेस निकाला, एथिकल चैलेंजेस है और भी है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस तो इसके अलावा और भी है, ऑब्जेक्टिफिकेशन, वीमेन हैव बीन ऑब्जेक्टिफाइड एवरीवेयर। क्या कारण है कि सारे जो आइटम सॉन्ग बन रहे हैं उसमें बस वीमेन नहीं नाच रही हैं हमारे फिल्मों में? दैट इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड वी सी इट। सो व्हाट डज दिस कन्वे? दैट वीमेन आर ए काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट टू ग्रेटिफाई द सेंसरी प्लेजर्स। आज भी हमारा समाज इसी व्यू पॉइंट से तो ड्राइव हो रहा है, फिल्में जो हमारी समाज का रिफ्लेक्शन है। तो वीमेन हैव बीन ऑब्जेक्टिफाइड, और जब कोई चीज ऑब्जेक्टिफाई होगी, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका काम है कि जब मुझे प्यास लगे तो बस मेरा प्यास बुझाना, पानी। वीमेन हैव बीन ट्रीटेड लाइक दैट इन आवर सोसाइटी, ऑब्जेक्टिफिकेशन। ऑब्जेक्टिफिकेशन के लिए तो महाभारत तक में इसके एग्जाम्पल्स हैं, वहीं से तो हमारा समाज सीख रहा है आज तक। वी नीड टू सेट न्यू एग्जाम्पल्स। लोग जुआ खेल ले रहे हैं कि लो मैं हार गया, बाकी संपत्ति खत्म हो गई, तो लो वाइफ को जुए पे लगा दिया। व्हाट डज दिस टेल? कि वीमेन हैव बीन ऑब्जेक्टिफाइड लाइक एन ऑब्जेक्ट, ए मार्कर। जब तक इसकी यूटिलिटी है ठीक है, नहीं तो फेंक दिया। ऑब्जेक्ट है क्या? वन वीमेन आर थिंकिंग बीइंग, दे हैव देयर ओन एग्जिस्टेंस, सेपरेट एग्जिस्टेंस, देयर ओन एस्पिरेशंस। एंड एज अ सोसाइटी वी हैव फेल्ड टू रियलाइज दिस। ये सब चीजें आपको सोचनी होंगी, लिखना होगा, नोट्स बनाना होगा। कोई भी टीचर बुक आपको लिख के नहीं दे सकता। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हेन आई से दैट दिस इज एन अप्लाइड सब्जेक्ट। अब मैं शायद से कुछ सेंस बना पा रहा हूं। इट नीड्स योर ओन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बाय योर ब्रेन, राइट? इस तरह से तमाम इश्यूज हो सकते हैं, तमाम इश्यूज हो सकते हैं, और हर इशू पे आपको सोचना है कि ये तो हो गया इसके पीछे का लीगल कारण, ये तो हो गया इसके पीछे का फॉर्मल कारण, लेकिन इसके पीछे का वैल्यू बेस्ड, इसके पीछे क्या प्रिंसिपल्स हैं जो इस प्रॉब्लम को ला रही हैं, वो भी आपको समझना होगा। और वो पूछा जा रहा है एथिक्स में। एथिक्स में दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि बताइए कौन सा कानून था, कौन सा जजमेंट था। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि इस चीज के पीछे, एक पर्टिकुलर एवेल के पीछे क्या चैलेंजेस हैं। आप मेरे कहने पे जाइए और मूवी देखिए पिंक, और पिंक से आपको एथिक्स पेपर कैसे प्रिपेयर करना है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने 3-4 बार देखी है, और जितनी बार मैं देखता हूं उतनी बार मैं नई नई चीजें सीखता हूं। पिंक में ये पूरी पूरी जो मूवी है वो एथिक्स पेपर ही है। नो मीन्स नो। द प्रॉब्लम इज कि देयर इज अ सेट पैटर्न दैट हाउ वुमेन शुड बिहेव। देयर इज अ वेल डिफाइंड पैटर्न ऑफ अ कल्चर्ड वुमेन, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर्ड वुमेन। ये ऐसे में भी आ सकता है कि एक कल्चर वुमेन, एक अच्छे घर की औरत कैसे बिहेव करनी चाहिए, पार्टीज में नहीं जाना चाहिए, अगर जा भी रही है तो हस्बैंड के साथ जाए या फैमिली मेंबर के साथ जाए, ज्यादा मुस्कुराए नहीं, लोगों के साथ घुले मिले कम, शराब ना पिए, मेल सब कर रहा है, और अगर ऐसा कर रही है तो सी इज नॉट कल्चर्ड वुमेन एंड सी डिजर्व्स ऑल काइंड्स ऑफ हैरासमेंट्स, राइट? बिल्कुल सही कह रहे हैं रिम्पी। जो भी रिचुअल्स है हर जगह देखो ना, आप नॉर्थ ईस्ट में हैं तो फिर भी आपको ये एक्सपीरियंस कम है। असम, आई एम टेलिंग यू, इंटायर नॉर्थ ईस्ट में पैट्रियार्की बहुत कम है। इफ यू हैव बीन एवर टू सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया, यू विल नो दैट व्हाट पैट्रियार्की इज एंड हाउ इट इज लिमिटिंग द पोटेंशियल ऑफ वीमेन इन आवर सोसाइटी। सो बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट। अब मैं ऑब्जेक्टिव तरीके से बात कर रहा हूं। पहले तो मैंने मोटी मोटी एक बात बता दी कि ये सब्जेक्ट जो है किसी बुक को, सिर्फ एक बुक को पढ़ के तो नहीं हो रहा, दिस इज एन अप्लाइड सब्जेक्ट। और अप्लाइड सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है वो भी मैंने आपको बताया। सोचना होगा आपको, समझना होगा, ठीक है?
और फिर आपको अपने व्यू पॉइंट्स लिखने होंगे। एग्जाम में जाकर के आप नहीं सोच सकते इस तरह से, वहां 3 घंटे में बैठ के सोचोगे लिखोगे, तो पहले ही आपको एथिक्स का एक अलग से बुकलेट बनाना होगा जहां पे हर इश्यूज को लिखने होंगे, इसमें ये चैलेंजेज हैं। तो हाउ दिस सब्जेक्ट हैज टू बी प्रिपेयर्ड। तो देखिए, इस सब्जेक्ट का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आपको कई सारे टर्म्स दिखेंगे, टर्म्स फॉर एग्जांपल एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज, एग्जांपल लाइक कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एग्जांपल टर्म्स लाइक ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, टर्म्स लाइक एम्पथी, सिंपथी, एंटीपथी, ये सब टर्म्स, दे आर सेट ऑफ टर्म्स इन योर सिलेबस, बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स हैं। इन सारे टर्म्स का पहले आपको एग्जैक्ट मतलब समझना होगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स। जैसे ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, सुन के तो आपको सेम लग रहा होगा, ए मैन ऑफ ऑनेस्टी, ए मैन ऑफ इंटीग्रिटी, सुन के सेम लग रहा होगा, लेकिन दोनों में भी अंतर है, और ये यूपीएससी पूछ चुका है ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में क्या अंतर है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, राइट, इंटीग्रिटी हैज कम फ्रॉम द टर्म इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब जिस आदमी के बातों में, थॉट प्रोसेस में और एक्शन में इंटीग्रेशन है, जो वो कहता है, जो वो सोचता है, वही वो करता है, मैन ऑफ इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी इज अ मैन हैविंग हायर प्रिंसिपल्स, ऐसा इंसान जिसके अपने हाई प्रिंसिपल्स हैं, राइट, तो दोनों में थोड़ा अंतर है। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी कैन बी सेड मैन ऑफ इंटीग्रिटी, जब वो कहते हैं मन वचन कर्मा, कि जो मैं सोचूं वही मैं बोलूं और वही मैं कहूं, वही मैं करूं, देन इट्स मैन ऑफ इंटीग्रिटी। उनके बातों में, उनके सोचने में और उनके एक्शन में इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रिटी वहां से आया है। अब एक खराब आदमी भी इंटीग्रिटी हो सकता है, एक विलेन भी मैन ऑफ इंटीग्रिटी हो सकता है, कि वो जो कहता है वो सोचता है और वही करे, ऐसा नहीं है कि बोले कुछ और करे कुछ और। ऑनेस्टी कुछ और होती है, ऑनेस्टी जो हायर वैल्यू से डिराइव होकर के आप एक्शन लेते हैं, जैसे लव, जस्टिस से डिराइव होकर के जब आप एक्शन लेते हैं, तो दैट इज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ओवरलैपिंग है, लेकिन ऑलवेज ऑनेस्टी डज नॉट मीन इंटीग्रिटी ऑलवेज। बहुत बार ऑनेस्ट जो इंसान होता है, लोगों की जान बचाने के लिए कुछ झूठ भी बोल देगा, ठीक है, सो विल टॉक अबाउट इट। सो आपको एग्जैक्ट मतलब समझना होगा पहले, तो ये होगा सिलेबस का आपका पहला हिस्सा, वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड, नो ईच एंड एवरी टर्म इन इट्स ट्रू सेंस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या। लेकिन उसके अलावा जो इस सिलेबस, इस सब्जेक्ट का जो मेन थीम है वो ये है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। जब आप बेसिक टर्म समझ गए, तब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, करंट इश्यूज को लें, करंट चैलेंजेस को लें हमारे समाज के, और उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, जो मैंने थोड़ा सा भी करके दिखाया आपको, ठीक है, विमेन के इश्यूज या चाइल्ड लेबर के इश्यूज, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, करके देखें, सोचें कि क्या इसके पीछे के प्रॉब्लम्स हैं, एंड दिस इज द सोल ऑफ द इशू, सोल ऑफ द सब्जेक्ट, यही मेन है ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप पास्ट ईयर्स के पेपर देखिए, यू विल नो किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, दे विल आस्क व्हाट इज ऑनेस्टी और व्हाट इज हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू, गिव एग्जांपल्स व्हेन यू एक्चुअली फील यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ से एग्जांपल्स पूछ रहे हैं। अब इसमें आप क्या पढ़ के जाएंगे, जब तक आपने खुद नहीं सोचा है कि मेरे लिए हैप्पीनेस क्या है, तब तक आप क्या लिखेंगे, क्योंकि आपके पर्सनल लाइफ से पूछ रहा है कि आपको कब ऐसा लगा कि आपको ट्रू सेंस में हैप्पीनेस फील हुआ। अब कौन सी बुक लिख के देगी आपको कि देखो यू आर, दिस इज योर हैप्पीनेस, राइट, सो फॉर दैट यू नीड टू हैव सम ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब मैं थोड़ा सा सोर्स भी बता देता हूं कैसे करना है। ये जो पहला पोर्शन है, सिलेबस कंप्लीट करना, बेसिक टर्मोलॉजी समझना, इसके लिए कई सारी बुक्स आती हैं। आप मेरे हिसाब से एक बुक को रेफर कर लो, लेक्सिकन को। इस बुक में सारे के सारे टर्म्स दिए हुए हैं, उनका मतलब दिया हुआ है, लेकिन टर्म्स का एग्जैक्ट मतलब समझना, क्योंकि इन टर्म्स का आपको इस्तेमाल करना होगा आंसर राइटिंग में। या तो आपसे टर्म्स डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे, या तो आपको इस्तेमाल करना होगा आंसर राइटिंग में। यू नीड टू हैव फील ऑफ दीज टर्म्स,
आपको फीलिंग होनी चाहिए। अब सिंपथी और इम्पथी बात तो एक ही लगती है, सिंपथी और इम्पथी, लेकिन दोनों में अंतर है। सिंपथी में कैसा है कि आपको दूसरों को देख करके बुरा लग रहा है कि यार इसके साथ अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, सिंपथी, गरीब आदमी को देख के बुरा लग रहा है कि यार इसकी हालत बहुत खराब होगी, इसको देख के आपको अंदर से बुरी फीलिंग आ रही है, दैट इज सिंपथी। इम्पथी व्हेन यू एग्जैक्टली फील कि ये पर्सन, ये इंसान अभी कैसा फील कर रहा होगा। आप कार में बैठे हैं और एक इंसान आपको रोड साइड में दिखता है, बिल्कुल गरीब, बुरे हालत में, गर्मी में, पसीने से बेहाल, उसको देख के आपको खाली बुरा लग रहा है, तो यू आर हैविंग सिंपथी फॉर दैट मैन। बट अगर आपको एग्जैक्टली फील हो रहा है कि इसको यहां कैसा लग रहा होगा कि पूरी दुनिया आराम से बैठी और मैं यहां पे, मुझे खाने तक को नहीं है, यू आर हैविंग दैट फीलिंग, देन यू आर हैविंग एम्पैथी फॉर दैट पर्सन। और सिविल सर्वेंट्स एक्सपेक्ट किया जाता है कि सिंपथी ना हो उनको, उनको एम्पैथी हो। अनलेस यू एग्जैक्टली फील कि जब लोगों का बेसिक नीड पूरा नहीं होता तो उनको कैसा फील होता है, जब लोगों के लाइफ में बेसिक डिग्निटी फुलफिल नहीं होती तो उनको कैसा फील होता है, अनलेस यू हैव दैट फीलिंग, आप एक बढ़िया सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते, आप उसके लिए सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आपको नहीं फीलिंग है कि स्लम्स में रहने वाले लोगों को कैसा फील होता है, तो यू विल नेवर कम आउट विद अ सॉल्यूशन, अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर एलिविएटिंग लाइफ ऑफ दीज पीपल। एंड देयर हैव बीन सिविल सर्वेंट्स हु हैव ब्रॉट सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, ठीक है, टू एलिविएट द लाइफ ऑफ दीज पीपल। अब आप बोलेंगे कि सर एम्पैथी कैसे आएगा, तो एम्पैथी के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप खुद जाके भीख मांगे या सड़क के किनारे सोएं, उसके लिए यू नीड टू हैव दैट डेवलप्ड थॉट प्रोसेस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसके लिए आपके अंदर वो वैल्यू बेस्ड जजमेंट होनी चाहिए, डेवलपमेंट, डेवलप थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो दे आर लुकिंग फॉर अ पर्सन हुज हैविंग एम्पैथी। तो मुद्दा ये है कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सिंपथी, एम्पैथी, इन सब के बीच का आपको एग्जैक्ट मतलब पता होना चाहिए, अदरवाइज अगर आप एम्बिगुअस तरीके से आंसर लिख देंगे तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया दो पार्ट आपके सिलेबस का, सिलेबस को कंप्लीट करें यहां से, इस बुक से, और भी कई सारे किताबें हैं, मुझे ये किताब ठीक लगती है, सारे टर्म्स दिए हुए हैं, सिलेबस को यहां से कंप्लीट करें और खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। आपका एक दो लोगों का ग्रुप हो, करंट अफेयर्स के इश्यूज ले लें, या आपका कोई टीचर हो उसके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि सर इस मुद्दे पे आपको क्या लगता है, और फिर लिखें उसको, नोट करें, खाली ब्रेनस्टॉर्मिंग करके छोड़ ना दें, लिखें उसके पीछे की वैल्यूज को, लिखें कि क्या चैलेंजेज हैं, और उसकी पूरी की पूरी इन्वेंट्री बनाएं, और तब जाकर के उसको आंसर में, अपने आने वाले आंसर्स में अप्लाई करें, तब जाकर के आपका आंसर इंप्रूव होगा और एग्जाम में अपने आप ही अच्छे आंसर्स निकलेंगे। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग द सेकेंड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कहां से करना है वो तो मैंने आपको बता दिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं एग्जैक्टली ये मैं थोड़ा करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूं कि किस तरीके से टर्म्स को समझना है, किस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूं। अभी तक आपको कुछ भी कहना है तो आप बताओ, एनीथिंग यू वुड लाइक टू से। प्रीलिम्स कब होगा, प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे, सम ऑफ द की टर्म्स इन एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर, तो कुछ एक की टर्म्स मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है, बताता हूं कि कैसे आपको एग्जैक्टली इनके बीच का मतलब जानना चाहिए, अंतर जानना चाहिए। चलो, तो आपके सिलेबस का जो बिल्कुल पहला पार्ट है, तीन जो टर्म दिए हुए हैं, वैल्यूज, मोरालिटी एंड एथिक्स, इनके बीच का अंतर डिस्कस करते हैं। जो मैंने आपको बताया इस सिलेबस में आपको पहले हर टर्म का एग्जैक्ट मतलब जानना चाहिए, तो ये तीन जो टॉप टर्म्स हैं
हाउ मच मार्क्स, मैं मार्क्स तो बता चुका हूँ, आई थिंक निखिल 250 मार्क्स के होंगे या आपका पेपर, इनफैक्ट हर पेपर 250 मार्क्स का होगा, मैं आपको बता चुका हूँ ना पहला सेशन में। चलिए कुछ टर्म्स देखते हैं। तीन टर्म्स आपके सिलेबस में दिए हैं, नोट्स मेकिंग जब बात करेंगे थोड़ा देखते हैं और आपको आइडिया डेवलप होगा, देन वी विल टॉक अबाउट नोट्स मेकिंग। तीन टर्म्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, वैल्यूज, मोरालिटी एंड एथिक्स, इनके ऊपर बात करते हैं। तीनों टर्म्स के बीच में अंतर क्या है, आई थिंक हसीना आई डेल्ट विद द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, एम्पथी एंड सिंपथी। ठीक है, एम्पथी और सिंपथी मेरे ने काफी फनी एग्जाम्पल देखा था, तो कम टू दैट एम्पथी एंड सिंपथी कि चलो आपने एम्पथी सिंपथी बोला कि सर एक बार फिर बता दो तो मैं बता देता हूँ। आपका दोस्त आपको रात को कॉल करता है, ठीक है, वह पूछ रहे हैं, मैंने एक तरफ एक बार अपनी कोशिश की, आपने बोला सर एक बार फिर बताओ तो फिर बता रहा हूँ। थोड़ा और सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको एम्पथी और सिंपथी के बीच का अंतर पता चल जाए। तो आपका दोस्त रात को 1 बजे फ़ोन करता है, बोलता है भाई मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। आप पूछ रहे हैं क्या हुआ, बोलता है ब्रेकअप हो गया मेरा और अब मेरा जीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, अब मैं मर जाऊंगा, सुसाइड करने का मन कर रहा है। ठीक है, अब अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं, अब अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं। एक इंसान हो सकता है एंटीपथी का, एंटीपथी वाला वो इंसान होता है जिसको दूसरों की फीलिंग समझ ही नहीं आती है, इसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नाम का चीज जीरो है, समझ ही नहीं आ रहा कि ये कितना अभी क्या महसूस कर रहा होगा। वो क्या बोलेगा एंटीपथी वाला इंसान कि मर जा तू जाकर के, मैंने तो पहले ही कहा था ठीक नहीं है, तूने सुनी नहीं मेरी और अब मेरी नींद खराब करा, मर जा तू। एंटीपथी वाला इंसान, उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि अभी इसके इमोशंस क्या है और इस इमोशंस के साथ और टेम्परिंग करना कितना खतरनाक हो सकता है, सच में सुसाइड कर सकता है एंटीपथी वाला इंसान। ठीक है, सिंपथी वाला इंसान हो सकता है उसको लगेगा कि अरे यार रो रहा है, दुखी है, तो इसको भी दुख महसूस होगा, ये भी दुख महसूस करेगा, अरे यार मेरा दोस्त रो रहा है, दुखी है, समझाएगा, अरे कोई बात नहीं यार, ठीक है, कुछ नहीं होता, समझा कर, कुछ नहीं होता, लाइफ विल गो ऑन। ठीक है, सिंपथी है इसको, इसको अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरा दोस्त रो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है मेरा दोस्त रो रहा है, सिंपथी है। लेकिन अगर इसके अंदर एम्पथी होगी तो इसको एग्जैक्टली ये फील होगा कि इस इंसान को अभी कैसा फील हो रहा होगा, बोले यार हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था 6 महीने पहले और मुझे भी लगा था मैं सुसाइड कर लूं, इसको एग्जैक्ट फील हो जाएगा कि उस रात को मैं कैसा फील कर रहा था। इफ ही एम्पैथाइजेज विद दिस पर्सन, इसको फील हो जाएगा कि मन करता है मर जाऊं लेकिन 2 दिन बाद लगा कि बढ़िया हुआ। ठीक है, तो तेरे को भी लगेगा 2 दिन बाद बढ़िया हुआ, तो रुक मैं आता हूं कुछ अरेंजमेंट करता हूं रात का, टेंशन मत ले, 1-2 दिन निकलने दे और अच्छा लगेगा लाइफ में, इट्स गुड फॉर यू। ठीक है, सो दैट दिस मैन इज ऑफ एम्पथी, ही इज एम्पथाइजिंग विद दिस पर्सन व्हेन ही एग्जैक्टली नोज कि हाउ ही इज फीलिंग, ही इज नॉट जस्ट सॉरी अबाउट हिज स्टेट। आप कलेक्टर हैं और आपके ऑफिस में कोई आकर के रो रहा है कि सर मेरा बच्चा मर गया, मेरा पति मर गया, बच्चे भूख से मर बिलख रहे हैं, और आप खाली इसको देख के आप भी रोने लगे, अरे यार बहुत बुरा हुआ, ये आपका काम नहीं है। लोगों के दुख के दुख देख करके आप भी रोने लगे, इज नॉट योर जॉब। योर जॉब इज टू एग्जैक्टली फील व्हाट दे आर फीलिंग एंड व्हाट कैन बी वे आउट ऑफ इट। एक जो इंसान एम्पथी वाला होता है वो बस ये नहीं समझता है कि सामने वालों को कैसा महसूस हो रहा है, ही ऑल्सो ट्राइज टू, ही और सी ऑल्सो ट्राइज टू फाइंड अ वे आउट, ही ऑल्सो ट्राइज टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जैसे इसने बोला ना कि रुक मैं आता हूं तेरे बिल्डिंग में, अभी आता हूं कुछ अरेंजमेंट करता हूं। ठीक है, वैसे ही अगर आप कलेक्टर हैं तो आपको बैठ करके दूसरों का दुख देख के रोना नहीं है, आपके अंदर एम्पथी होनी चाहिए, सिंपथी नहीं होनी चाहिए।
जिसको देखे अरे यार ये तो बड़ा गरीब है, आपके अंदर इंपैथी होनी चाहिए कि इसको अभी ऐसा फील हो रहा होगा, इस फीलिंग को ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। अ मैन ऑफ इंपैथी इज मैन ऑफ एक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? सो आई थिंक हसीना आप थोड़ा और आपको क्लैरिटी आया होगा कि इंपैथी और सिंपैथी में क्या अंतर है, और बात करेंगे आगे। चलिए तीन टर्म्स में डिस्कस करता हूं। वैल्यूज, वैल्यूज ये तीनों आपके सिलेबस में पहले ही तीन टर्म लिखे हुए हैं, वैल्यूज, मोरालिटी, एथिक्स। क्या होते हैं वैल्यूज? वैल्यूज आर योर सेट ऑफ प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस। कुछ चीजें आपको सही लगती, अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें उतनी अच्छी नहीं लगती। दे आर सेट ऑफ प्रेफरेंसेस, दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग सेट ऑफ प्रेफरेंसेस। हो सकता है किसी इंसान को चिकन खाना पसंद हो, किसी को उतना अच्छा ना लगता हो, तो इसका प्रेफरेंस है चिकन ना खाना, नॉनवेज ना खाना, इसका प्रेफरेंस है चिकन खाना। रिम्पी आपका मैसेज मुझे पहुंच गया कि यू आर वेरी थैंकफुल फॉर न्यूज़पेपर एनालिसिस। आई एम ओब्लाइज्ड, आई एम हम्बल्ड। ठीक है, देखते हैं। एक बार वैल्यूज का मतलब समझते हैं, तो वैल्यू से समझो, प्रेफरेंस वर्ड को समझो। ठीक है, जैसे कुछ लोग मंदिर जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं, किसी का प्रेफरेंस होता है कि हर सप्ताह में एक बार मंदिर चला जाए, किसी का नहीं होता, यार भगवान हर जगह है। प्रेफरेंस, राइट? प्रेफरेंस, वैल्यूज आर जस्ट प्रेफरेंस, रिजिड नहीं है। लेकिन यही वैल्यूज, इफ दीज सम ऑफ योर वैल्यूज विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड विल स्टार्ट एसोसिएटेड विथ राइट और रॉन्ग। अगर वैल्यूज, कुछ एक वैल्यूज, हम सबके अंदर बहुत सारे वैल्यूज हैं, नॉन वेज, लीकर, कंजम्पशन, बहुत सारे वैल्यूज हैं हमारे, बहुत सारे वैल्यूज है हमारे अंदर। किसी का लगता है, किसी का शराब पीने की तरफ प्रेफरेंस है, या ठीक है यार, किसी का प्रेफरेंस नहीं है। कुछ वैल्यूज हमारे अंदर, बहुत सारे वैल्यूज हैं अगर आप अपने आप को पहचाने तो, और यही आपका काम है कि आप अपने अंदर के पहले वैल्यूज को पहचाने, और फिर आपको यह भी पता चलेगा कि कुछ एक वैल्यूज थोड़े स्ट्रांग हैं। सम ऑफ द वैल्यूज आर वेरी स्ट्रांग एंड दे गिव अस अ सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। दे आर नो लॉन्गर जस्ट अ प्रेफरेंस, दे आर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, दे आर नो लॉन्गर जस्ट प्रेफरेंस। जैसे चिकन खाना, इसका प्रेफरेंस हो सकता है, इसका नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ये इंसान ये सोच ले कि चिकन खाने वाले लोग गलत होते हैं, खराब होते हैं, या अगर शराब पीना इसका प्रेफरेंस नहीं हो सकता है, तो इसकी वैल्यूज है शराब ना पीना। लेकिन अगर ये इसकी वैल्यूज मजबूत होने लगे, स्ट्रांग होने लगे टू सम एक्सटेंट, कि दैट वैल्यू बिकम्स दैट स्ट्रांग दैट इट स्टार्ट्स गिविंग हिम अ फीलिंग ऑफ राइट और रॉन्ग, कि नहीं नहीं ये करने वाला इंसान तो गलत है, तो दैट वैल्यू इज नो लॉन्गर अ वैल्यू, इट इज अ मोरालिटी। तो आई होप आपको समझ आ रहा है, वैल्यूज और मोरालिटी है एक ही चीज, खाली डिग्री का अंतर है। अगर खाली प्रेफरेंस है, ठीक है, प्रेफरेंस है कि कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, तो वो वैल्यूज हैं आपके। अगर वो प्रेफरेंस इतने स्ट्रांग होने लगे, कुछ एक प्रेफरेंस दैट गिव्स यू द सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, देन दैट बिकम्स योर मोरालिटी। फॉर एग्जाम्पल, बीफ कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ लोगों के मन में ये फीलिंग ज्यादा स्ट्रांग हो गई कि जो लोग बीफ खाते हैं वो गलत हैं। सो इट इज नो लॉन्गर देयर वैल्यू, इट हैज बिकम देयर मोरालिटी, इट हैज गिवन देम अ सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, कि भाई जो लोग बीफ खा रहे हैं वो बहुत गलत हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वैल्यूज और मोरालिटी में अंतर समझ आया। एक इंडिविजुअल के लेवल पे उसके बस प्रेफरेंसेस हों तो वैल्यूज हैं, अगर वो बहुत इतने स्ट्रांग हो जाए वो वैल्यूज दैट इट गिव्स हिम अ सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, देन दैट बिकम्स हिज मोरालिटी। अब समझिए जरा सा मोरालिटी और एथिक्स के बीच का रिलेशन। एथिक्स,
अगर ये मोरालिटी एक इंडिविजुअल की ना होकर के एक ग्रुप की बनने लगे, एक समाज में लोगों की मोरालिटी इस तरह की बनने लगे, जिस समाज में लोग रहते हैं कि नहीं नहीं चिकन खाना बुरी बात है या बीफ खाना बुरी बात है, मतलब इफ इट बिकम्स अ कलेक्टिव मोरालिटी, इट्स नो लॉन्गर इंडिविजुअल, बट इफ इट बिकम्स कलेक्टिव देन इट इज एथिक्स ऑफ दैट सोसाइटी. यस आई एम फाइन. कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर आई होप यू आर फीलिंग वेल. हाँ तो मुझे अब बेहतर महसूस हो रहा है, वैक्सीन के बाद थोड़ा डाउन महसूस कर रहा था मैं. थैंक यू. कम बैक टू दिस वैल्यूज मोरालिटी एथिक्स. आई होप यू आर गेटिंग दिस. क्या आपको ये बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल का प्रेफरेंस हो सकता है नॉनवेज ना खाना. अगर ये प्रेफरेंस इतनी स्ट्रांग होने लगे कि इसको नॉनवेज खाने वाले लोग गलत लगने लगे, तो इस इंसान का ये अब खाली प्रेफरेंस नहीं है, वैल्यू नहीं है, इसकी मोरालिटी है. और ये अगर अपने आसपास के लोगों को कन्विंस करने लगे और एक सोसाइटी में कंसेंसस बन जाए, जैसे टिपिकल हिंदू फैमिली में आपको पता होगा कि मीट खाना बुरा माना जाता है, तो उस टिपिकल हिंदू फैमिली के लिए मीट खाना इज नो लॉन्गर ए मोरालिटी, इट इज मैटर ऑफ एथिक्स. सो मुद्दा ये है कि एथिक्स इज अ सब्जेक्टिव थिंग, रिलेटिव थिंग, रिलेटिव, इट वैरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी. एक सोसाइटी के लिए एथिक्स हो सकता है बीफ खाना, एक सोसाइटी के लिए नहीं हो सकता. एक सोसाइटी के लिए एथिक्स हो सकता है मीट खाना, एक के लिए नहीं हो सकता. लीकर पीना नहीं हो सकता है. सो एथिक्स इज अ सब्जेक्टिव थिंग, रिलेटिव, पार्शियल. मुझे थोड़ा बताइए. नाउ आई एम रेडी टू टेक योर क्वेश्चंस फर्स्ट. क्या आपको वैल्यूज, मोरालिटी और एथिक्स ये तीनों का अंतर या मतलब समझ आ गया? वैल्यूज इंडिविजुअल सेंस या प्रेफरेंसेज हैं. अगर ये प्रेफरेंसेज स्ट्रांग होने लगे एंड इट गिव्स द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, देन इट बिकम्स मोरालिटी. और अगर ये मोरालिटी इन जनरल समाज में ज्यादातर लोग होल्ड करने लगे, जैसे हमारे समाज में मोरालिटी है ना कि अननेसेसरी लोगों को पीटना नहीं चाहिए, लोगों को हर्ट नहीं करना चाहिए, ऑनेस्टी रखनी चाहिए. सो इफ दैट मोरालिटी बिकम्स एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, दैट बिकम्स अ नॉर्म, देन दैट बिकम्स एथिक्स. बट एथिक्स इज नॉट यूनिवर्सल थिंग, इट वैरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी. कई सारे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं सर आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू एवरीवन. अभी मुझे प्लीज बताओ, क्या अभी मैं समझा पा रहा हूँ कुछ वैल्यूज, मोरालिटी और एथिक्स के बीच का कुछ अंतर समझा पा रहा हूँ? एग्जाम्पल से आपको मैं समझाऊंगा. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. क्या आपको कुछ अंतर समझ आ रहा है? गुड गुड संतानु, आपको समझ आ रहा है वैल्यूज, मोरालिटी, एथिक्स. बहुत बार कैसा होता है कि ये जो एथिक्स होता है सोसाइटी का, वो इंडिविजुअल की मोरालिटी से कंफ्लिक्ट में आ जाता है. बहुत बार ऐसा होता है, वेरी गुड वेरी गुड. बहुत बार ऐसा होता है कि एथिक्स जो होता है सोसाइटी का, वो इंडिविजुअल की मोरालिटी से कंफ्लिक्ट में आ जाता है. एग्जाम्पल के लिए सती प्रथा, सती प्रथा, सती प्रथा. एक जमाना ऐसा था जब ये हमारे समाज में एथिकल माना जाता था, और जो वुमन सती नहीं करती थी उसको अनएथिकल माना जाता था. किसका? देखो पति मर गया और भी ये सती नहीं कर रही है, कितनी अनएथिकल है. वाई? बिकॉज इट वॉज पार्ट ऑफ द सोसाइटल, सोशल, सोसाइटल एथिक्स. कलेक्टिव सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग था ये सती. लेकिन एक इंडिविजुअल राजा राम मोहन रॉय, उनके पहले उनकी वैल्यूज ने उनको कहा कि ऐसा थोड़ी है कि एक हस्बैंड मर जाए तो वाइफ की जिंदगी वहीं खत्म हो जानी चाहिए. उनके पहले वैल्यूज ने उनको कहा कि ना ये गलत है. उस वैल्यूज पे उन्होंने और सोचा और थिंकिंग की, तो वैल्यूज और स्ट्रांग होते गए. एंड इट बिकेम हिज मोरालिटी, इट गेव हिम अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, एंड ही फेल्ट लाइक कि सती सिस्टम इज रॉन्ग.
तो वैल्यू मोरालिटी में कैसे कन्वर्ट होता है? वैल्यू मोरालिटी में कैसे कन्वर्ट होता है? बाय थॉट प्रोसेस, बाय क्रिटिकल इवैल्यूएशन। राजा राम मोहन राय के बारे में सोचिए, समाज में हो रहा है सती, समाज में हो रहा है सती, और समाज के लिए एथिकल प्रैक्टिस है ये सती प्रैक्टिस करना, राइट? लेकिन उनको लग रहा है कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि पहले तो उन्होंने अपने वैल्यूज पे सोचे कि यार ये कैसा हुआ, उस पे और ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग की, तो इट बिकेम हिज मोरालिटी, इट गेव हिम अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि नो सती इज रॉन्ग। और फिर उन्होंने समाज में लोगों को कन्विंस करना शुरू किया, कंसेंसस बनाने की कोशिश की, कंसेंसस कि भाई देखो सती गलत है। अगर एक हस्बैंड, किसी औरत का हस्बैंड मर जाता है, उसका मतलब ये थोड़ी कि वुमेन को अपना लाइफ त्याग देना चाहिए, और वो भी इतना ब्रूटल तरीके से, बिल्कुल गलत है। एंड ही ट्राई टू क्रिएट अ कंसेंसस इन सोसाइटी एंड ही चेंज द सोशल एथिक्स। द सेम सोसाइटी दैट कंसिडर्ड सती एज एथिकल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम नाउ कंसिडर्ड द सेम प्रैक्टिस एज अनएथिकल। सो दिस इज हाउ one individual can change the social ethics as well on the basis of consensus. First of all, he will have to evaluate, think critically, judge, reflect. He will have to develop his sense of morality, and then he will have to convince others, create a consensus. And this is how morality leads to ethics. Okay. Agar एक इंडिविजुअल मोरालिटी को समाज पे इंपोज करना शुरू कर दिया जाए, जबरदस्ती इंपोज करना शुरू कर दिया जाए कि नहीं नहीं मैं जो कह रहा हूं वही सही है, आपके पास पावर हो, आप इंपोज करने लगे, तो क्या होगा? क्या वो एथिक्स बन पाएगा? आंसर इज नो। इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है तालिबान, अफगानिस्तान। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था ना, विकास दास सेज कि सर प्लीज लुक एट द स्क्रीन अदरवाइज आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। विकास, या तो मैं स्क्रीन देख सकता हूं, नहीं तो आपके कमेंट्स पढ़ सकता हूं ना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन पे देखने का और आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा फोकस बने रहे। चलो देखो, सर डज एथिक्स डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन वैल्यू? शांतनु सेज आस्क। देखो शांतनु, समाज के अंदर जो भी सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग है उसको हम लोग कहते हैं एथिक्स, राइट? ये कहीं ना कहीं वहां के इंडिविजुअल्स की वैल्यूज के बेसिस पे ही तो बने हैं। इंडिविजुअल्स की वैल्यूज, सेट ऑफ प्रेफरेंसेस, जब वो स्ट्रांग हुए होंगे तो इट मस्ट हैव बिकम मोरालिटी, दैट मस्ट हैव गिवन देम सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। एंड दैट मोरालिटी व्हेन इट डेवलप्ड अ कॉमनलिटी, व्हेन इट डेवलप्ड अ कंसेंसस, देन द सेम मोरालिटी बिकेम एथिक्स। एक एग्जांपल में बता रहा हूं, आपने मूवी देखी है ना 300 स्पार्टन्स, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, जस्ट टू मेक यू फील। अब उनके समाज में ऐसा एथिक्स था कि वो इंसान जो जितने ज्यादा सेक्सुअल वायलेंस करता है अगेंस्ट विमेन, वो उतना ज्यादा मैनली है। इट वॉज कंसिडर्ड ए राइट एक्टिविटी। सुन के थोड़ा आश्चर्य होगा, बट आई एम गिविंग यू दिस एग्जाम्पल जस्ट टू हेल्प यू अप्रिसिएट कि एथिक्स का मतलब क्या होता है। समझ रहे हो? स्पार्टन्स के अंदर जो जितना विमेन के ऊपर सेक्सुअल वायलेंस करता था, उतना माना जाता था कि यह इंसान उतना ही ज्यादा मैन है, मर्दों वाली खूबी है। सो उस समाज में यह एथिकल माना जाता था। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन मोरालिटी से एथिक्स कैसे बनेगा? एक इंडिविजुअल की मोरालिटी अगर कंसेंसस डेवलप कर ले, सब लोग समाज में अगर माने, जैसे सती के लिए माना लोगों ने कि हां ये गलत है, तो दैट बिकम्स एथिक्स। अगर वो जबरदस्ती इंपोज करना शुरू कर दे तो दैट बिकम्स फैनेटिसिज्म, पागलपन है। एग्जाम्पल है तालिबान। अब तालिबान को अगर लगता है कि शरिया लॉ सही है, तालिबान की मोरालिटी है शरियत लॉ, तालिबान की मोरालिटी है कि विमेन शुड ऑलवेज रिमेन अंडर गाइडेंस ऑफ मेन, विमेन शुड ऑलवेज रिमेन इनसाइड हाउसहोल्ड, ये तालिबान की मोरालिटी है। तो भाई अगर आपकी मोरालिटी है तो आप कंसेंसस बनाइए ना, अगर आपको उसको एथिक्स बनाना है। तो
अगर आपको उसको समाज में एक्सेप्ट कराना है तो आप कंसेंसस बनाइए, लोगों को कन्विंस कीजिए, लॉजिक दीजिए. दिस इज हाउ मोरालिटी, इंडिविजुअल्स मोरालिटी और ए ग्रुप्स मोरालिटी कन्वर्ट्स इनटू एथिक्स व्हेन इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस. एंड फॉर कंसेंसस यू नीड टू गिव लॉजिकल कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट्स. अगर आप उसको जबरदस्ती इंपोज कर लेंगे विद हेल्प ऑफ वायलेंस और गन, देन दैट बिकम्स फैनेटिसिज्म, दैट इज नो लॉन्गर एथिक्स. ये किया गलती तालिबान ने. So I hope you are getting the relation between the three terms, values, morality, ethics. Again, I'm summarizing. Value, individual preferences. Morality, individuals, strong preferences. That gives them a sense of right and wrong. Taliban ka strong preference hai, ki agar women ghar se bahar ghoomti hai akele, to ye galat hai. Lekin morality can become ethics. Means general acceptance in society about right and wrong. It can become ethics. Only when a consensus is developed, when everyone feels from inside that this is wrong or this is right. If it is imposed forcefully, then it is fanaticism, no longer ethics. Right? Ab newspaper se kaise isko nikala jaye? Example ke liye main bata raha hu. अब मैंने जैसा आपको कहा था कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें, पहला आपका काम क्या होगा, भूलना नहीं, पहले सारा सिलेबस का एक 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 वर्ड का टेक्निकल मतलब, एग्जैक्ट टू द कोर, सिंपथी, इम्पथी, एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज का एग्जैक्ट मतलब पहले समझिए, और फिर जब न्यूज़पेपर पढ़िए तो पॉइंट्स निकालिए कि भाई यहाँ पे ये अपनी मोरालिटी को इम्पोज कर रहा है तो ये फैनेटिसिज्म है. ठीक है, इसके एक दो एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूं, करके दिखाता हूं. नागालैंड गवर्नमेंट ने पिछले साल की बात है इंपोज किया, एक रूल निकाला कि डॉग मीट नहीं खाना है, डॉग मीट खाना गलत है, डॉग मीट मत खाओ. नागालैंड सोसाइटी में डॉग मीट खाया जाता है, डॉग मीट खाया जाता है. अब ये इसमें एथिक्स और मोरालिटी वाली बात है भाई. डॉग मीट खाना इज एथिकल इन नागालैंड सोसाइटी, एक्सेप्टेड है, उसमें कुछ गलत नहीं है, मानते हैं वो लोग, नहीं मानते गलत तो नहीं मानते. और आपने रूल बना दिया कि मत खाओ, तो व्हाट यू आर ट्राइंग, नागालैंड की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फोर्स कर रही है विदाउट क्रिएटिंग कंसेंसस, इट इज फोर्सिंग पीपल टू चेंज इट्स एथिक्स. So this is not the right approach of creating ethics. If you want to change ethical standard of society, you need to create consensus. कि भाई dog meat खाना देखो, आप convince कीजिए, आप लोगों से communicate कीजिए, ये इसके scientific problems हैं, ये इसके environmental issues हैं, आप convince कीजिए लोगों को और धीरे धीरे consensus बनाइए, तब जा करके अगर लोग खुद से ही dog meat खाना छोड़ देते हैं, then that will be a sustainable solution, then that will be social ethics. If you force it, then that is no longer converting into ethics, that is a kind of fanaticism. ये वही है जैसे तालिबान कर रहा है. आपको as an administrator यही समझना है कि अगर किसी गांव में लोग अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने नहीं भेज रहे हैं, वहां जाकर के डंडे बरसाने लगोगे. अब सोच केस स्टडी में कैसे इस्तेमाल करें, केस स्टडी ऐसे दिया होगा कि आप हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ऐसा हो रहा है गांव में, औरतों को बंद किया हुआ है, बेटियों को बंद किया है, स्कूल नहीं जाने दिया, आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि मैं जाकर के जेल भेज दूंगा. तो इसका मतलब यह है कि आपको ये नहीं पता है कि फोर्सफुली किसी भी चीज को इम्पोज करने से लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन नहीं आता है. आपको नहीं पता है कि मोरालिटी और एथिक्स के बीच का रिलेशन क्या है. आपको नहीं पता है कि ये जो प्रॉब्लम है इस गांव की, इसका सॉल्यूशन उनके सोशल एथिक्स को बदलने में है कि बेटियां बाहर जाती हैं तो नाम कमाती हैं. अभी उनका किस तरह का थिंकिंग है कि बेटियां बाहर जाती हैं तो बदनामी लाती हैं, उस एथिकल थिंकिंग को बदलना है. अगर आप ये नहीं समझते, डंडा बरसाना शुरू कर देंगे तो यू आर गॉन, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते. इसी कारण से आपको केस स्टडीज दिए रहते हैं, चेक करता है वो कि क्या आपको हर चीज का मतलब पता है. आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप हर समाज के सोशल एथिक्स को समझें और फिर जाकर के आप उस एथिक्स के हिसाब से, अगर आपको लगता है कि इसमें गलत है, आप हैं मान लीजिए
आप उड़ीसा के रहने वाले हैं, बचपन से उड़ीसा में रहे हैं, ठीक है, बिहार में रहे हैं, आईएएस बन गए और आपको भेज दिया गया नागालैंड, आईएएस बन गए हैं आप, डीएम बन चुके हैं और नागालैंड में देखा करें ये तो डॉग खा रहे हैं, आपको लगा कि ये गलत है, आपने कहा पकड़ो डॉग क्यों खा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपका फेलियर होगा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। आपको नहीं पता कि जिस समाज से मैं आ रहा हूं वहां का एथिकल स्टैंडर्ड इसको गलत मानता है, यहां का एथिकल स्टैंडर्ड इसको सही मानता है, और अगर ये मेरे हिसाब से गलत है और ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी ये लॉन्ग टर्म में हानिकारक है, तो मुझे इसको अगर बदलना है तो फोर्स से मैं अगर बदलूंगा तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, दैट विल बी फैनेटिसिज्म, दैट विल बी लाइक तालिबान। अगर मुझे इसको बदलना है तो कंपेलिंग रीजंस देने होंगे, आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे और सोशल एथिक्स को बदलना होगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो इस कारण से एथिक्स इंटीग्रिटी पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है कि आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आप एसीएस ही बन गए, आप बचपन से गुवाहाटी में रहे, आप चले गए कार्बी एंगलोंग, आपको थोड़ा अलग लगेगा, वैल्यूज अलग लगेंगे, एथिक्स अलग लगेंगे, लेकिन अब आपको पहले यह समझना है कि इनकी सोसाइटी की एथिक्स है क्या, व्हाट इज देयर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, एंड इफ यू एक्चुअली फील कि इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विथ योर मोरालिटी, देन यू हैव टू चेंज इट थ्रू आर्ग्यूमेंट्स, लॉजिक्स, नॉट बाय फोर्स। कर्फ्यू, तो अगर मौजूदा कर्फ्यू के बारे में आप पूछ रहे हैं, अल जेड जी, अगर मौजूदा कर्फ्यू के बारे में पूछ रहे हैं तो इसमें तो देखिए एथिक्स मोरालिटी का सवाल नहीं आता, इट इज फॉर पब्लिक गुड, इसमें मुझे लगता है कि इन जनरल कंसेंसस भी है। थोड़ा और बात करते हैं, यूपीएससी का एक सवाल लेते हैं, यहां मैंने जैसे आपको बताया कि करेक्ट अप्रोच वॉज नॉट बैनिंग द डॉग कंजम्पशन बट क्रिएटिंग एन एटीट्यूड अगेंस्ट कंजम्पशन ऑफ डॉग, पीपल विल नॉट गिव अप ईटिंग डॉग्स मीट जस्ट बाय मेकिंग इट इलीगल। खाली आप कानून बना देंगे तो लोग थोड़ी छोड़ देंगे, बिहार में देखिए लोग ने लीकर बंद कर दिया, कानून बना करके आपने लीकर बैन कर दिया, इससे लोग थोड़ी छोड़ देंगे। भाई लोगों के अंदर कंसेंसस बननी चाहिए, एथिक्स बनना चाहिए कि लीकर कंजम्पशन इज बैड, तब जाकर के वो रियल सेंस में खत्म होगा, खाली कानून बनाने से नहीं होता। इट इज मेकिंग अ लॉ इज नॉट ए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। और फिर पूछ लिया यूपीएससी ने ये सवाल। देखिए अभी तक तो मैंने क्या बताया आपको, रिलेशन बिटवीन वैल्यूज, मोरालिटी एंड एथिक्स, यूपीएससी ने सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन पूछ लिया रिलेशन बिटवीन एथिक्स एंड लॉ, सवाल ये था, ये 2015 का। नहीं नहीं, आप नबा पहले तो टेक्निकल तरीके से समझिए, एवरी कम्युनिटी हैज इट्स ओन मोरालिटी एंड एथिक्स मत कहिए, मोरालिटी जो है वो इंडिविजुअल टर्म है, तो एन इंडिविजुअल विल हैव हिज और हर ओन मोरालिटी एंड सोसाइटी विल और कम्युनिटी विल हैव एथिक्स, राइट, पहले तो ऐसे कहिए। After becoming bureaucrat, we will have to analyze every community's value. Yes, you are absolutely right. ये सवाल पे पहले बात कीजिए। Yes, Citizenship Amendment Act भी वही है, कानून है, लोगों को जब तक कन्विंस नहीं कर रहे तब तक इट इज बाउंड टू लीड टू प्रोटेस्ट। इस एग्जाम्पल को, इस सवाल को समझिए। देखिए आपके सिलेबस में दे रखा है वैल्यू, मोरालिटी एंड एथिक्स, सवाल पूछ लिया रिलेशन बिटवीन एथिक्स एंड लॉ। अब आप मुझे बताइए कि जिस समाज में कोई एक वैल्यू एथिकली एक्सेप्टेड ना हो, क्या खाली उसको लॉ बना देने से वो काम हो जाएगा? क्या वो एक्टिविटी रुक जाएगी? क्या रुक जाएगी? क्या एथिक्स और लॉ के बीच का अंतर समझिए, लॉ ज्यादा इफेक्टिव है या एथिक्स ज्यादा इफेक्टिव है, ये समझ रहे हैं हम। एग्जाम्पल है डाउरी, डाउरी तो इलीगल है ना जी, है ना, गैर कानूनी है, कई सारे जगहों पर धड़ल्ले से चलता है, वाई, बिकॉज इट इज एथिकल, वहां पे माना जाता है कि इट इज पार्ट ऑफ सोसाइटी, इट इज एक्सेप्टेड। तो जब तक आप इस एथिकल आर्ग्यूमेंट पे नहीं हिट करेंगे, जब तक यहां पे आप लॉजिक के साथ, कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट के साथ हिट नहीं करेंगे, तब तक खाली कानून बनाने से सॉल्यूशन नहीं निकलता। So this is what is relation between law and ethics. Law should be codified ethics. Effective implementation of law should be codified ethics.
जो सोसाइटी में स्टैंडर्ड्स एक्सेप्टेड हैं, जो सही स्टैंडर्ड्स हैं, एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं, उनको आप कोडिफाई करके लीगल बना दें, ताकि कोई इंसान अगर उसको वायलेट कर रहा है तो उसको आप सजा दे सके। फॉर एग्जाम्पल रेप्स, अब इन जनरल तो कंसेंसस है ना हमारे सोसाइटी में कि जो रेप कर रहा है वो गलत है। ऐसा भी समाज था स्पार्टा वाला जो मानता था कि रेप कर रहा है वो अच्छा है, ज्यादा मैनली है, लेकिन आज एक कंसेंसस है ना, एथिक्स है ना। अब इसको अगर आपने कोडिफाई कर दिया, कानून बना दिए कि ये काम किया तो इतने साल की सजा या फांसी, तो लॉ का मतलब है, देन लॉ बिकम्स इफेक्टिव। इफ लॉ इज बेस्ड ऑन सोशल एथिक्स, देन इट इज इफेक्टिव। If law is in contradiction with social ethics, it will fail. Best example, Dory. Right? So, अगर आपको society में सच में changes लाने हैं, तो you have to work here. यही अंतर होता है implementing agencies का और policy making का। एक bureaucrat का काम यहाँ भी है, और जो नीचे level के जो officers हैं, आपसे जो नीचे काम करेंगे, उनका काम है यहाँ पे। Rape करने वाला, murder करने वाला, सबको दौड़ा के पकड़ो। जो एपीएस से नीचे लेवल के होंगे उनका काम होगा इधर, दौड़ाओ पकड़ो, अरेस्ट करो, जेल भेजो। आप यहां हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई कानून तो ठीक है, लेकिन इन लोगों का सोच कैसे बदले। सो दिस इज द रिलेशन, आपको कैसे सोशल एथिक्स बदले। सर इज इट एथिकल टू यूज सेक्शन 124 ए अगेंस्ट द सिटीजंस? ऑफकोर्स नॉट। आप लोगों के अंदर कंसेंसस लाइए ना कि पीपल दे देमसेल्फ बिकम reasonable, they themselves become responsible towards the society, right? देखिए, आप कभी भी अपना आंसर जो है वो absolute sense में नहीं लिखेंगे, ये भी चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन एक दिन में मैं सब कुछ नहीं सिखा सकता, तो अगर 124 ए है तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा कि ये है, लेकिन क्या है? क्यों लॉन्ग टर्म में ये सोल्यूशन है, तो शॉर्ट टर्म में इसकी जरूरत है अगर हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, हमारी सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को सस्टेन करना है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है हमारे समाज पे। लॉन्ग टर्म में हमको क्या करना है, लोगों के अंदर सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करनी है। आप सब कह रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अनएथिकल था। बहुत अच्छा है, अनएथिकल था, लेकिन जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के प्रोटेस्ट में हुआ, क्या वो कितना एथिकल था, आप ये बताइए। बसें जला दी या फिर तोड़ फोड़ किया, वो भी ठीक नहीं था ना। हमें सिस्टम को समझना है, और हमें एथिक्स में रह करके कानून को बदलना है, ठीक है। हमें अपनी सिविल राइट्स को भी समझना है, सिविल ड्यूटीज को भी समझना है, तो दोनों एंगल से। तो शॉर्ट टर्म में 124A इज नीडेड, वैसे ही शॉर्ट टर्म में रेप के लिए डेथ सेंटेंस इज नीडेड, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें सस्टेनेबल सॉल्यूशन चाहिए, इसके लिए हमें एथिक्स को बदलना होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए एथिक्स इज नीडेड, लेकिन शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के लिए यू नीड टू हैव अ स्ट्रिंजेंट लॉ। बट मियर लॉ विदाउट एथिक्स इज नॉट गोइंग टू वर्क। यू सी द एग्जाम्पल, आपको लगता है टेम्पल, सबरीमाला टेम्पल एंट्री इतना बवाल हुआ, बोले विमेन भी इंटर कर सकती है सबरीमाला टेम्पल में। कितनी सारी विमेन है जो अभी भी इंटर नहीं करना चाहती, बिकॉज दे डू नॉट एक्सेप्ट इट। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इशू ट्रिपल तलाक। भाई सिर्फ इसको कानून बना देने से ये हो जाएगा क्या? जब तक विमेन को खुद नहीं लगता कि नहीं मेरे साथ ये अनएथिकल हो रहा है, अभी भी जो कोर मुस्लिम फैमिली की विमेन है, मेनी ऑफ देम बिलीव कि ट्रिपल तलाक इज पार्ट ऑफ देयर कल्चर, सो इट इज एथिकल। As long as they believe or think like this, this triple talaq law is not going to work. क्योंकि वो कभी सामने आकर के कंप्लेन करेंगी नहीं, क्योंकि उनको खुद से लग रहा है कि ट्रिपल तलाक अगर मेरे हस्बैंड ने प्रैक्टिस किया है तो वो एथिकल है। They don't think about law, they are more concerned about the social ethics. They themselves are convinced कि समाज में ऐसा ही होता है। So yes, you are absolutely right, Jayanta Borgohain. Law जो है वो short term solution है. You need to have ethics, that is social conscience, right? अमिताभ बच्चन कहता है ना पिंक मूवी में, मैंने फिर कहा था, पहले भी कहा था,
कि वी नीड टू सेव आवर बॉयज नॉट गर्ल्स। जब तक समाज में इस तरह की बातें रहेंगी, एथिक्स समझिए ना, इसके पीछे का वैल्यू समझिए ना, कि अगर रेप होता है तो द गर्ल इज्जत चली गई, ऐसा ही बोलते हैं ना, दिस इज द लैंग्वेज वी यूज इन सोसाइटी। जब तक इस लैंग्वेज का हम कुछ नहीं करते, तब तक कितना भी कानून बना लीजिए कुछ नहीं हो सकता। एथिकल, इस पे एथिकल डिबेट की जरूरत है, कंसेंसस बदलने की जरूरत है कि भाई जिसने ये क्राइम किया है उसकी इज्जत जानी चाहिए ना, जिसके खिलाफ क्राइम हुआ उसकी इज्जत कैसे चली गई। मुद्दा तो यहां पे है ना कि जब तक हम सोशल स्टैंडर्ड्स या सोशल एथिक्स को ना बदलेंगे, वी कैन नॉट फाइंड अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। एंड ये होता है थॉट प्रोसेस, ये होता है वैल्यू बेस्ड थिंकिंग, क्रिटिकल इवैल्यूएशन। जब तक आप इसको समझेंगे, अब आप जब ब्यूरोक्रेट होंगे और आप जाएंगे गांव में, तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे, देखो इस लड़की की इज्जत चली गई ये बोलना तो सबसे बड़ा गुनाह है। और आप कंपेलिंग रीजंस देंगे कि जो क्राइम करता है उसकी इज्जत जानी चाहिए। तो यू आर नाउ बीइंग एन एजेंट ऑफ चेंज, इसी को कहते हैं एजेंट ऑफ चेंज, जो लोगों के थॉट प्रोसेस को हिट कर दे कि अरे यार क्या बात बोली इसने। एंड देन स्लोली यू विल ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी। तब जाकर के कल होकर के रेप करने का जो सोचेगा भी उसको भी लगेगा अरे यार बड़ी बदनामी होगी। आज के डेट में तो लड़की को ही लगता है बदनामी हो जाएगी, वो सुसाइड कर ले रही है उसके बाद। तो एक प्रॉब्लम काफी नहीं था कि दूसरा प्रॉब्लम हो जा रहा है सुसाइड, और जो रेपिस्ट है वो घूम रहे हैं खुलेआम, ने बड़ा काम कर लिया। वाई? बिकॉज द सोशल एथिकल स्टैंडर्ड्स आर लाइक दैट। वी नीड टू रीडिफाइन दोस सोशल एथिकल स्टैंडर्ड्स। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, देयर आर सम टेंपल्स वेयर मैन एंट्री आर नॉट अलाउड। तो अगर सच में लगता है सबरीमाला टेंपल में, अगर आपको सच में लगता है, सो डू यू थिंक राइट टू स्पीच हैज लॉस्ट इट्स एक्चुअल पर्पस इन सोशल मीडिया जनरेशन? नो, आई डोंट थिंक लाइक दैट। हमें सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ में डेवलप करना है। देखिए, यू कैन नॉट स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम, राइट? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट जयंता। और कोई नेमिंग एंड सेमिंग इज नीडेड, पब्लिक शेयरिंग इज नीडेड, कि भाई पब्लिक शेमिंग इज नीडेड, किस आदमी ने क्राइम किया है, हम उल्टा कर रहे हैं, वी आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। इस लड़की की इज्जत चली गई, लो अब और दिक्कतें बढ़ेंगी। और एग्जाम्पल में देता हूं, करंट अफेयर से कैसे पिक करना है, करंट अफेयर से कैसे आपको न्यूज़पेपर जब पढ़ रहे हैं तो उसका एथिकल एंगल से इवैल्यूएशन कैसे करना है। कल का ये न्यूज है, जियोना चन्ना सर 72 इयर्स के हैं, थे, इनकी हाल फिलहाल में डेथ हुई, ठीक है। और इनके डेथ पे चीफ मिनिस्टर मिजोरम के ट्वीट करते हैं कि सर रेस्ट इन पीस। और इनकी खासियत क्या है, व्हाई ही इज नोन, ही इज अ नोटेड पर्सनालिटी, बिकॉज ही हैज 39 वाइव्स, ठीक है। अब कैसे जब करंट अफेयर्स पढ़ें तो पॉइंट्स को निकालें। हम आपको सुन के लगे कि हमारे समाज में तो पॉलीगैमी, जिस समाज में हम रहते हैं पॉलीगैमी, एक शादी के बाद दूसरी शादी करना गलत माना जाता है, अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो उसको नीचा दिखाया जाता है। इस इंसान ने 39 शादियां की और इसी कारण से इनका इतना नाम है, इनके इतने सारे बच्चे हैं, इनका इतना नाम है कि इनके डेथ पे चीफ मिनिस्टर और बाकी सारे जो लीडर्स हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि सर रेस्ट इन पीस, ठीक है। इज नोन एज हेड ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फैमिली। यहां आकर के मतलब आपको फिर सोचना है कि अच्छा लिख लेता हूं इसको, कैसे करंट अफेयर्स का इस्तेमाल करेंगे, लिख लेता हूं इसको, दिस विल बी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एथिक्स। कि भाई एथिक्स में अगर कभी मैं ये लिख रहा हूं कि एथिक्स वैरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, तो वहां पे मैं लिख सकता हूं कि कई सारे ऐसी सोसाइटीज हैं जहां पे पॉलीगैमी अनएथिकल माना जाता है, गलत माना जाता है, राइट?
जबकि यहां देखिए ये जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं वहां पे जितनी शादियां की उतना अच्छा, हेड ऑफ द फैमिली को ज्यादा से ज्यादा शादियां करनी होती है, he did it and that is why he's so much respected. So इनके समाज का एथिक्स कहता है enter into polygamy. So ethics is relative. अगर ऐसा सवाल आ जाए कि ethics is relative, it varies from society to society. Give this example. इसी दुनिया में मिजोरम में जियोना सर 39 मैरिजेस करने के कारण ही सो सच अ रेस्पेक्टेड पर्सन, वाइल देयर आर सो मेनी सोसाइटीज वेयर पॉलीगैमी इज कंसीडर्ड टू बी अनएथिकल. एथिक्स इज टेम्पोरल, इट वेरीज विथ टाइम. तो आप एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे एक जमाना था जब सती करने को एथिकल माना जाता था, आज सती को अनएथिकल माना जाता है. तो अगर आप एथिक्स को समझते हैं कि टाइम के साथ इसको बदला जा सकता है, तो आप ये भी समझ सकते हैं, आप ये भी समझ सकते हैं, आप ये भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि जो चैलेंजेज अभी हैं हमारे समाज में विमेन के खिलाफ हो या चिल्ड्रन के खिलाफ हो या किसी भी वल्नरेबल सेक्शन के खिलाफ हो, उसका एथिकल पैरामीटर्स को समझ के अब इसको बदलने के लिए क्या किया जाए. जैसे राजा राममोहन राय ने सती को बदलने के लिए क्या किया था, तो वो होगा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन. मैं ये कहां कह रहा हूं कि हर जगह पॉलीगैमी होनी चाहिए, और मैं इसके एनालिसिस को तो कर ही नहीं रहा हूं. अगर आपको ये लगता है कि गलत है इस कम्युनिटी में, अगर आपको लगता है कि ये गलत है और आप वहां के कलेक्टर हैं, तो आप जाकर के सीधा सीधा अरेस्ट ना करें. आप पहले इस समाज के एथिक्स को समझें और इसकी कमियों को पहचाने और उस कमियों को फिर कन्वे करें कि सर देखिए इसमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं. कई सारी विमेन होती हैं जिसकी जिनके पर्सनल एस्पिरेशंस कभी भी फुलफिल नहीं हो पाते, दे डू नॉट गेट अ ड्यू रेस्पेक्ट दैट दे डिजर्व इन देयर लाइफ. आप कन्वे करें, आप इस सोसाइटी के एथिक्स को बदलने की कोशिश करें ऑन द बेसिस ऑफ योर मोरालिटी. आप जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं आप लोग कि सर इसमें गलतियां हैं, दैट इज योर मोरालिटी, दैट इज योर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, इंडिविजुअल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. नाउ इफ यू आर an administrator in that area and you are so much convinced that this is immoral, then you convince this community which practices this polygamy and convince on logical ground. Just don't say that it is wrong. So some logical ground I have given ki 39 wives. So you think ki they might not have got their due share in their life, right? Ek husband ke saath aapko waqt bitana, it's emotional bonding. You do not get that emotional bonding, emotional support. हाँ तो सिंगनार साहब आप पूछ रहे हैं कि सर कभी कभार ब्यूरोक्रेट्स अपना पेशेंस लूज कर जाते हैं, इतना प्रेशर होता है. तो यही तो सीखना है ना सिंगनार जी. शायद से शैलेश जी जो त्रिपुरा वाले डीएम थे उनके टाइम में एथिक्स का पेपर नहीं था. यही तो इस एथिक्स पेपर में सीखना है आपको कि कैसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टाइम में अपना पेशेंस लूज ना करें, प्रेशर से प्रेशर के सिनारियों में भी पेशेंस लूज ना करें. तो शैलेश साहब की बात आपने की है तो वो भी देख लेते हैं कि शैलेश साहब जो त्रिपुरा डीएम वाली बात है तो आपको पता ही होगा, ये कहानी तो आपने सुनी रखी होगी, ये देख ही रखा होगा ये वीडियो, राइट? अब इस तरह से केस स्टडी इस तरह से बनते हैं. घुस गए साथ में, भरे शादी में दूल्हे को पीट रहे हैं, ठीक है, पंडित को पीट रहे हैं, ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं मतलब अपने ड्यूटी पे हैं, लेकिन हर चीज का अपना एक तरीका होता है. मानसिक भाई सेज कि सर ऐसा देख के इनको लग रहा है कि द ब्राइड वाज हिज एक्स. गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. ऐसे कम वक्त में तुम लोग इतना सोच लेते हो, तुम लोग अच्छा आंसर लिख पाओगे एग्जाम में. यस मानसिक देवी, आई एम फीलिंग बेटर नाउ. चलिए तो ये तो कहानी आपको पता ही है.
ठीक है। अब आपने अगर ये वीडियो देखा होगा, अब आपको देख करके इस तरह से आपको एनालाइज करना है कि इसमें क्या क्या एथिकल इश्यूज हैं, किस तरह का सवाल बनता है। सर घुस गए, इनको लगा कि कोविड-19 के जो नॉर्म्स हैं उसको वायलेट किया जा रहा है, लगे धक्का मुक्की करने, पीटने लगे लोगों को, टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लडी विलेजर्स, ठीक है, गालियां भी दे रहे हैं साला। अब अगर हाँ ठीक है तो पॉलीगैमी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उस समाज में एक्सेप्टेड है ना शांतनु, जिस सोसाइटी में वो लोग हैं वहां पे वो एथिकल है ना, इसीलिए तो उस इंसान की इतनी रेस्पेक्ट है। अगर आपको पॉलीगैमी सच में लगता है गलत है तो पहले तो आप सपोर्ट मत कीजिए, अगर आपको इंडिविजुअली लगता है। लेकिन सीएम साहब को लगा कि इस समाज के हिसाब से इनका ये एथिकल स्टैंडर्ड है, ही एक्सेप्ट्स देयर एथिक्स, इसमें कुछ गलत नहीं, इसीलिए उन्होंने ट्वीट करके रेस्ट इन पीस कहा। अब इस तरह का आपसे केस स्टडी में सवाल पूछा जा सकता है। किसी ने तो पूछा है कि सर क्या एसपीएम फाउंडेशन बैच में एथिक्स इंटीग्रिटी आप ही कराओगे? बिल्कुल मैं ही कराऊंगा। अपने आप को सिंगम समझ गया, बिल्कुल इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है ड्यू टू कोविड पैंडेमिक इन एन एरिया। अब देखिए अगर आपने पेपर देख रखा हो यूपीएससी का, तो वो केस स्टडी भी वो करंट बेस्ड देते हैं। कुछ ना कुछ उस तरह की इंसिडेंट हाल फिलहाल में हुई होगी, उसको खाली वो नाम छुपा करके वो केस स्टडी दे देते हैं। जैसे ये केस स्टडी आ सकता है कि ड्यू टू कोविड पैंडेमिक इन एन एरिया वॉज ब्रॉट अंडर नाइट कर्फ्यू and CRPC 144 was applied, a marriage ceremony was going on even after the permitted time limit, the district magistrate of that area barged into the ceremony and ordered arrest of the people participating in the marriage ceremony. Family claimed that they had taken permission from the DM's office itself for the marriage permission beyond the permitted time limit, but the DM refused even to check. ek ek term aapko dhyan se padhna hoga, जब केस स्टडी आप पढ़ रहे होंगे ना, तो एक एक टर्म को ध्यान से पढ़ना, तब जाकर के जज कर पाओगे कि कहां पे एथिकल इश्यूज हैं कहां पे नहीं है। इन इंसानों ने देखा ही नहीं कि ये जो परमिशन है ये सही है कि गलत है, फार के फेंक दिया। ही इवन यूज स्लैंग वर्ड्स लाइक ब्लडी विलेजर्स। तो ये सब आपको ध्यान से पढ़ना होगा, पेपर में हाईलाइट करना होगा, इन सर्कल करना होगा, अच्छा यहां पे एथिकल लैप्सेज हुए हैं। ही stopped the marriage ceremony, forcefully stopped the marriage ceremony in the middle of the process itself. He ordered arrest of everyone present at the ceremony, including women. अब ये जानबूझ करके लिखा हुआ है, आपको समझना है। अच्छा, including women जानबूझ करके लिखा है, क्योंकि यहाँ पे DM साहब से खाली ethical lapse नहीं हुआ है, legal lapse भी हुआ है। औरतों को arrest करना बिना lady officers के, ये illegal according to Supreme Court judgment, ये जानबूझ के ये दिया हुआ है। ये आपको exam में पहले ही पहचानना है, सवाल पढ़ के ही, और फिर आपको अलग अलग पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं। सवाल इस तरह का हो सकता है, इसी तरह के सवाल आते ही हैं जनरल केस स्टडी में कि व्हाट आर द लीगल एंड एथिकल इश्यूज एंड व्हाट वुड यू डू इन द सिचुएशन इफ यू वर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ दैट एरिया। अब देखो इस सवाल को में क्या क्या पूछा गया है वो आपको देखना है। सवाल में पूछा गया है किस तरह से सवाल को अटेम्प्ट करते हैं केस स्टडी को अटेम्प्ट करने के लिए आपको देखना होता है कि क्या क्या पूछा है। तो क्या पूछा है कि क्या लीगल लैप्सेज हुए हैं, क्या एथिकल लैप्सेज हुए हैं, क्या कानूनी रूप में क्या क्या लैप्सेज हुए दोनों साइड से। तो लीगल लैप्सेज फैमिली साइड से क्या हुआ है, दे हैव एलिजली वायलेटेड नॉर्म्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर CRPC। यहाँ पर टर्म्स का बड़ा इंपॉर्टेंट खेल रहेगा, अलीजली, क्योंकि DM साहब कह रहे हैं कि उन्होंने वायलेट किया, बट यू डोंट नो व्हाट इज द ट्रू, क्या उन्होंने वायलेशन किया है या परमिशन लिया था। तो अलीजली, परपोर्टेडली, ये सब टर्म्स का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, दे अलीजली वायलेटेड IPC 188, डिसओबीडियंस टू द ऑर्डर ऑफ ड्यूली disobedience to order duly promulgated by public servant. अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ड्यूटी पे है, उसके ऑर्डर को आप obstruct करते हैं, तो आपके खिलाफ
आईपीसी 188 के खिलाफ कार्रवाई हो सकती, ये सब अलीजली है, डीएम साहब के हिसाब से है, बट एटलीस्ट उनके हिसाब से दी जाए द लीगल वायलेशन फ्रॉम द फैमिली साइड। डीएम साहब के साइड से क्या लीगल वायलेशन हुए हैं? शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि आप किसी भी लेडी को अरेस्ट नहीं कर सकते विदाउट प्रेजेंस ऑफ लेडी ऑफिसर्स, एंड ही डिड इट, ही ऑर्डर्ड फॉर दैट। सो दिस इज लीगल लैप्स फ्रॉम द डीएम पॉइंट ऑफ व्यू। ये कैसा सवाल है सर, पहले ही एक डीएम ऑलरेडी है तो फिर मैं कैसे हो सकता हूं? और ये तो केस स्टडी में ऐसे दिया होता है ना कि एक डीएम साहब थे, उन्होंने ऐसा ऐसा किया, ठीक है। अच्छा, आपने अपना क्वेश्चन डिलीट कर दिया चलो फिर भी मैंने पढ़ तो लिया ही था आपका सवाल। तो सवाल तो ये है ना, इस तरह के सवाल आते हैं केस स्टडी में, आप देखो कि डीएम साहब थे, उन्होंने ऐसा ऐसा किया, अब बताइए कि इसमें क्या क्या गलतियां हैं, और अगर आप डीएम होते इनके जगह पे तो आप क्या करते, इस तरह के सवाल तो आते ही रहते हैं। ओके चलिए कोई बात नहीं, और पेपर देखो, ऐसी गलतियां नहीं होंगी, कुछ कुछ इनोसेंट सवाल आ जाएंगे। एथिकल लैप्सेस क्या हुए हैं दोनों साइड से? फैमिली के साइड से भी एथिकल लैप्सेस हुए हैं, एलिजली नॉट फॉलोइंग प्रॉपर कोविड नॉर्म्स दैट कुड थ्रेटन लाइफ ऑफ मेनी पीपल। तो ये एथिकल लैप्स है ना कि आपको लोगों की लाइफ का वैल्यूज नहीं है, आप कोविड के टाइम में भी आप नॉर्म्स को वायलेट करके फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। बीइंग एजुकेटेड एंड इन्फ्लुएंशियल, आप इन्फ्लुएंशियल हैं तो आप समाज के लिए एक तरह का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, और आप इस तरह का काम करेंगे तो बाकी लोग क्या सीखेंगे आपसे, दिस इज एथिकल लैप्स फ्रॉम योर साइड। डीएम साहब के साइड से तो कई सारे एथिकल लैप्सेज हुए हैं, एरोगेंस दिखाया उन्होंने, अनबिकमिंग ऑफ सिविल सर्वेंट, सिविल सर्विसेज रूल्स में लिखा हुआ है कि आप कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे दैट अ सिविल सर्वेंट शुड नॉट डू, सिविल सर्विसेज रूल नंबर 9। आप पब्लिक में खुलेआम कर रहे हैं ब्लडी विलेजर्स, ऐसा देश जहां पे 70% लोग विलेजर्स हैं वहां पे आप खुलेआम गाली दे रहे हैं ब्लडी विलेजर्स, मतलब विलेजर्स आपके लिए गाली है, दैट इज अनबिकमिंग ऑफ सिविल सर्वेंट। भाई ऐसे देश में जहां पे आपको लोगों की सेवा के लिए रखा गया, आप कह रहे हैं ब्लडी विलेजर्स, 70% लोग तो विलेजर्स हैं, आप गालियां दे रहे हैं लोगों को, व्हाट यू आर टेलिंग, आप ब्रिटिश एरा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं क्या, माई बाप कल्चर वाले, आपका प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम प्रधान सेवक हैं और आप गालियां बक रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं, बिना सुने हुए बिना देखे हुए पेपर फाड़ रहे हैं, ठीक है। दैट वाज अ लैप्स फ्रॉम हिज साइड, एथिकल लैप्स, एरोगेंस था साफ साफ, देखे बिना पेपर फाड़ना वाज एरोगेंस। व्हाट डू यू थिंक, आप होते तो आप क्या करते? तो आपको एक बैलेंस्ड आंसर लिखना है, आपको ये नहीं लिखना हाँ हाँ मैं शादी होने देता, या फिर नहीं नहीं मैं तो बस डंडे बरसा देता, एक बैलेंस्ड आंसर लिखना है, ठीक है। हाँ पैट्रियार्कियल है बिल्कुल, एथिकल वैल्यूज में आप पैट्रियार्कियल लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया अभिलाष, कि आप साला गाली देते हैं क्या बताता है, यू हैव अ पैट्रियार्कियल माइंडसेट, बीइंग अ सिविल सर्वेंट यू हैव अ पैट्रियार्कियल माइंडसेट, गेटिंग माय पॉइंट। जीजा गाली क्यों नहीं होता समाज में, साला ही क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? एथिक्स के लिए ये भी सोचिए, किसी को गाली देते हैं क्या? यू नीड टू थिंक, आप भाग नहीं सकते ऐसी चीजों से। एथिक्स पेपर में अगर आंसर लिखना तो ये सब लिखना होगा। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डीएम को कुछ टाइम देना चाहिए, पहले तो पेपर पढ़ना चाहिए कि ये परमिशन सही है या गलत है। अगर परमिशन गलत है, ये पेपर फर्जी है अगर, तो फिर जो लोग भी ये मैरिज करा रहे थे उनको अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन मैरिज सेरेमनी को कंप्लीट होने के बाद 10-15 मिनट का टाइम दे देते मैरिज सेरेमनी को कंप्लीट कराने के लिए, ठीक है। अगर पेपर सही है तो भी आप इंस्ट्रक्शन देते कि कोविड नॉर्म्स को फॉलो किया जाए और तब मैरिज सेरेमनी कराई जाए। दोनों ही हालात में जो डीएम साहब ने किया है वो करना सही नहीं था, पेपर सही हो या गलत हो, दोनों ही हालात में डंडे बरसाना सही नहीं है, ये एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी का अप्रोच नहीं हो सकता। और बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपसे उम्मीद किया जाता है कि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब आप इमोशन समझते हैं, आपको समझना होगा ना कि भाई इन्होंने नॉर्म तोड़ा है। बीइंग अ सिविल सर्वेंट यू शुड नो कि नॉर्म ब्रेक करना और क्राइम करने में अंतर होता है, ये सब आपको जस्टिफिकेशन में लिखना होगा। कोई भी स्टेप आप लेते हैं तो उसका जस्टिफिकेशन देना भी बहुत जरूरी है कि ये स्टेप मैं क्यों ले रहा हूं, तो जस्टिफिकेशन हैज टू बी देयर कि देयर हैज टू बी डिफरेंस बिटवीन हीनियस क्राइम्स एंड वायलेशन ऑफ नॉर्म्स। ये नॉर्म का वायलेशन है, ऑफकोर्स गलत है, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि क्रिमिनल की तरह ट्रीट करेंगे, आप लोगों पर डंडे बरसाएंगे।
हाउ डू वी टैकल सच प्रॉब्लम्स इमीडिएटली, मैंने बताया ना, आप वहां पे भी पेशेंस रखिए, आप कोशिश कीजिए कि किसी के भी सेंटिमेंट को हर्ट मत कीजिए, दैट लॉ शुड टेक इट्स ड्यू कोर्स, जिन लोगों ने गलती की है वो अरेस्ट हो, लेकिन आप सेंटिमेंट तो हर्ट मत कीजिए ना, आपको थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दिया है, राइट? जिन्होंने गलती की है उनको अरेस्ट कीजिए, जो कानून का काम है वो कानून को सजा देने दीजिए, आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए ना, आप ही अगर खुलेआम कानून को तोड़ेंगे तो फिर कैसे होगा, यू आर सेटिंग ए रॉन्ग प्रेसिडेंस फॉर द एंटायर सोसाइटी, जिसके पास ये पावर होगा वो यही करेगा, गेटिंग पॉइंट कौस्तव? तो आपको अपना स्टैंड लिखना होगा कि मैं क्या करूंगा, और आंसर में नहीं पूछता है, केस स्टडी में कभी भी नहीं पूछता है कि व्हाई यू डू इट, जस्टिफिकेशन कभी नहीं पूछता, लेकिन आपको नंबर मिलेंगे जस्टिफिकेशन के, जितना सॉलिड जस्टिफिकेशन आप देंगे कि मैं ये स्टैंड क्यों ले रहा हूं, उतने बढ़िया नंबर मिलेंगे, दे विल नेवर आस्क, दे विल सिंपली आस्क कि आप क्या करते, तो आप लिखेंगे कि मैं ये करता, साथ ही साथ आप जस्टिफाई करेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जो मर्जी आए कीजिए, लेकिन आपका अगर जस्टिफिकेशन मजबूत है तो यू विल गेट ए गुड मार्क्स, और ये है जस्टिफिकेशन अच्छा लिखना आना चाहिए आपको, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, इसके लिए चाहिए होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है? देखिए ये सेशन तो मेरा मन, मेरी इच्छा हो तो मैं तो 3-4 घंटे चलाता रहूं, बट सिंस आई हैव बीन टोल्ड कि यू हैव 1 आवर टाइम, स्टूडेंट्स को ज्यादा परेशान नहीं करना है, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, 1 घंटे का टाइम है, मैंने फिर भी 1.5 घंटा ले लिया है, मैंने कोशिश की कि 1.25 घंटे 1.5 घंटे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूँ, जितना हो सके उतना एनालिसिस करके दिखाऊं, बट टाइम कंस्ट्रेंट्स है, अदरवाइज हम और डिस्कस कर सकते थे, थोड़ा बहुत और डिस्कस करते हैं, देखते हैं आपके व्यू पॉइंट्स लेते हैं, बट थोड़े टाइम में इस सेशन को हमें रोकना होगा। एग्जैक्टली बहुत सही कह रहे हैं मोटिवेशन गुरु, आपका नाम तो एग्जैक्टली मोटिवेशन गुरु नहीं हो सकता, लेकिन आप बिल्कुल सही पकड़े हैं, ठीक है, बिल्कुल सही पकड़े हैं कि भाई अगर हमें इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो पहले हमें अपने वैल्यूज को पहचानने होंगे कि अच्छा हमारे क्या क्या वैल्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने ये आइडिया डिस्कस किया ना हाउस हस्बैंड वाला, तो कुछ लोगों को बुरा लग गया, मुझे पर्सनली फोन भी किया कि सर औरतें बाहर घूमेंगी काम करेंगे, आपको नहीं लगता कि हिंदू सभ्यता के खिलाफ है? मैंने उनको ये कहा कि भाई तुमको ना अपने वैल्यूज को थोड़ा जज करने की जरूरत है। याद है हाउस हस्बैंड वाला डिस्कस किया था मैंने इशू आपके साथ न्यूज़पेपर एनालिसिस में, तो कुछ लोगों की मोरालिटी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो नहीं चाहते कि विमेन घर से बाहर जाएं, उनको लगता है कि विमेन अगर घर से बाहर जाके नौकरी करनी तो गलत है। अब वैसे लोगों को पहले अपने वैल्यूज को जज करने की जरूरत है, इवैल्यूएट करने की जरूरत है, थिंकिंग करने की जरूरत है, समझ रहे हो, और इसको बदलने की जरूरत है। जब तक इसको बदलोगे नहीं एग्जाम में नहीं बदलेगा। एग्जाम में वो लोग क्या करते हैं यूपीएससी में, तो एपीएससी में भी यही करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन देते हैं, इतना क्वेश्चन देते हैं, इतना लेंदी पेपर बनाते हैं एथिक्स पेपर का जानबूझ करके, कि तुम जब पेपर लेते हो तो लिखने लगते हो बिल्कुल जो तुम्हारे दिमाग में आता है, बस लिखते जाते हो कि मैं ये करूंगा, और जो चीजें तुम सोचते हो मोर ऑर लेस वही छप जाता है वहां पे। तो तुम अगर अंदर से तुम्हारे वैल्यूज या मोरल्स जो हैं वो लॉजिकल नहीं है, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर ये पकड़ लेगा इस बात को। तो अपने वैल्यूज को थोड़ा रिफ्लेक्ट कीजिए, उनको जज कीजिए, उनको बार बार इवैल्यूएट कीजिए, उनको रिफाइन कीजिए, अगर इस पेपर को हमें अच्छा करना है तो। और इसके लिए किसी अच्छे ग्रुप के साथ, अच्छे टीचर के साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग जरूरी है, सोचना जरूरी है कि सर मुझे तो लगता है कि विमेन बाहर नहीं जानी चाहिए, हमारे तो पुरानों में लिखा है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो पुरानों में लिखा है वो ज़्यादा जरूरी है कि विमेन की एस्पिरेशंस, जो आज जिंदा विमेन है उनकी एस्पिरेशन ज़्यादा जरूरी है। इस तरह से लॉजिकल एक्सचेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होने से ही आपके वैल्यूज रिफाइन होते हैं। फिर उनको थोड़ा लिखिए, अगर कुछ लर्निंग मिलती है आपको तो उसको लिखिए एक जगह, ठीक है? और तब जाकर के आपके जब आइडियाज रिफाइन होंगे तो जाकर के आप अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम में। तो इस एग्जाम में मैं अब इसके साथ ही इस आज के सेशन को खत्म कर रहा हूँ। दो ही चीज चाहिए, सारे टर्म्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, उसके लिए मैंने बुक रेफर कर दिया लेक्सिकन, प्लस ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी चाहिए।
और ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप अपने जो भी आपको लगता है न्यू पॉइंट्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग का पर्पस क्या है कि आप अपने वैल्यूज को जज करें, उनको रिफाइन करें, अपनी मोरालिटीज को और बेहतर से बेहतर बनाएं, ताकि समाज में आप एजेंट ऑफ चेंज बने। जो लोग भी ये कह रहे हैं कि हमारे पुराणों में लिखा है, गीता में लिखा है, वुमेन घर से बाहर नहीं रहने चाहिए, यू आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। वुमेन के लिए डिस्क्रिमिनेशन का आप और बेसिस बना रहे हैं। यू आर नॉट बिकमिंग एजेंट ऑफ चेंज, दैट यू नीड टू इवेल्युएट, यू नीड टू रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो ये जो दूसरा पार्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसके लिए आपका अच्छा ग्रुप होना चाहिए, कोई अच्छा मेंटर हो। कभी कभार मैं भी न्यूज पेपर एनालिसिस में कर ही लेता हूँ। और इस तरीके से जो आप सीखें उसके नोट्स बनाएं और फिर आप आंसर राइटिंग करें। आंसर राइटिंग में आप टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल करें और अपने आइडियाज लिखें, आपके आंसर्स अच्छे निकल के आएंगे। ठीक है, अफगानिस्तान तालिबान का पीडीएफ तो मुझे लगता है मैंने उसी दिन टेलीग्राम में दे दिया था, लेकिन मैं एक बार फिर देख लूंगा शांतनु, अगर नहीं होगा तो मैं आज अफगानिस्तान तालिबान का पीडीएफ दिला दूंगा, चिंता नहीं करनी, मैं आज दिला दूंगा अफगानिस्तान तालिबान का पीडीएफ। अब देखो ना, सुनो ना शांतनु, जो आपका YouTube पे वीडियो पड़ा है ना शांतनु, उस YouTube वीडियो के ही जो पहला सेशन था YouTube का, उसके वीडियो के ही कमेंट सेक्शन में आप देखोगे तो एक लिंक पड़ा है, उस लिंक के थ्रू आप वो पीडीएफ इंडिया अफगानिस्तान का डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है शांतनु, अदरवाइज तो मैं फिर दे दूंगा, लेकिन उस YouTube वीडियो में ही ये लिंक पड़ा हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके शांतनु, चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन। कुछ और नया टॉपिक लेकर के मैं आऊंगा। एक टॉपिक मुझे याद है, कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर बुक लिस्ट बता दो और कैसे फोकस रहना है, कैसे कंसिस्टेंट तरीके से पढ़ाई करनी है, उस पर एक सेशन ले लो। तो अगला सेशन मैं इसी टॉपिक पर लेकर के आऊंगा कि कैसे आप अपनी लाइफ में फोकस रह सकते हैं, कैसे कंसिस्टेंट तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर कोई और टॉपिक पे आप डिस्कशन चाहते हैं तो मुझे बताओ, मैं आप अपने टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सएप में लिख के बताओ, मैं उस टॉपिक पे भी डिस्कशन कर सकता हूँ आने वाले कुछ दिनों में इन वर्कशॉप सेशन। ओके, थैंक यू एवरीवन।